नमस्कार टू ऑल द वर्दी एस्पिरेंट्स, जय हिंद। माय नेम इज प्रतीक, वेलकम यू ऑल टू एसएसबी क्रैक एग्जाम, जहां पे बेटा आपको डिफेंस रेट एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपरेशन दी जाती है, चाहे बेटा आपको एफकैट, सीडीएस, एनडीए, अरे भाई सब कोई भी आपका रिलेटेड एग्जाम के लिए आपको गाइड किया जाता है। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, जोरों शोरों से भैया आप तैयारी कर रहे हो और भाई साहब धमाल भी मचा रहे हो। सो गाइस कैसे हो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बहुत लोग यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे जुड़ गए हैं, यहाँ पे लाइव आपका ज्योति बलियान, दीपक भरद्वाज, आपके हामिर जी है, आपका डिफेंस, आपका उर्वी चावड़ा, अंकुर विश्वकर्मा, हेमंत कुमार भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है गाइस, जल्दी से करो, लिंक को शेयर करो जल्दी से भाई। वीडियो में अगर आते हो आपको क्या करना है, पहले लाइक करो उसको अच्छे से, उसको शेयर करो और जितना हो सके भैया फायदा दो बाकी लोग को भी, यार खुद ही क्यों फायदा ले रहे हो इस चीज का, है कि नहीं। सो गाइस आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा सेशन होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया नवंबर मंथ में जितने भी हमें जो टॉप हमें जो टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स के, मंथली बेसिस पे हम इसको आज कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एक तरीके से एग्जाम के लिए हो सकता है। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं, आरंभ करें कि नहीं करें मुझे बताओ, गाइस मुझे बताओ आरंभ करें कि नहीं करें। तो गाइस आज करते हैं भैया इसका स्टार्ट करते हैं सेशन को, मंथली करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर मंथ। बट बिफोर वी बिगिन, आपको तो पता ही है एक ही सवाल पूछता हूं आप सबसे, क्या पूछता हूं, क्या पूछता हूं, एक ही सवाल रहता है भैया, हाउ इज द जोश, जोश है कि नहीं है, और आज के आपके सेशन में तो होना ही चाहिए। सो गाइस आपको तो पता था, मैंने आपसे पूछा था एक सवाल, सवाल पूछा था कि नहीं पूछा था मुझे बताओ ओंकार, बताओ है कि नहीं, एक सवाल मैंने क्या पूछा था, ये आपके सामने है। आपका जो रिपब्लिक डे आपका 2023 में आपका होने वाला है, ठीक है, उसमें आपके मुख्य अतिथि के तौर पर आपको कौन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने आपसे सवाल पूछा पिछले क्लास में और मुझे उम्मीद है कई लोगों ने इसका जवाब भैया कमेंट सेक्शन में दिया होगा। ठीक है ना, जितने भी जो लोग हैं जो भैया यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपका, जब सेशन जब आपका एंड होता है तो उसका जवाब भैया कॉमेंट में अच्छे से दे दिया करो, तभी तो पता चलेगा सीरियस होगी नहीं आप लोग पढ़ाई में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या था इसमें, अल्बर्टो फर्नांडिस, लुइस अबिनादर, अबिल फतेह अल सीसी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब था आपका यहाँ पे, जो हमारे इजिप्ट के जो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा, इजिप्ट के आपके जो राष्ट्रपति है इनका नाम है अब्दील फतेह अल सीसी। क्या है भैया, अब्दील अल फतेह सीसी। ठीक है, क्या नाम है भैया, क्या बात है, पता नहीं आसपास के लोग इनको कैसे बुलाते होंगे, शायद अब्बू के नाम से बोलते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते बेटा कि 2023 में आपका जो गणतंत्र दिवस हम मनाने वाले हैं, हम यहाँ पे एक तरीके से रिपब्लिक जब हो गए थे आपको पता है आजाद भारत आपका 1900 आपको यहाँ पे 47 में आपको आजाद होते आपको देखने को मिलता है, गुलामी का हमने एक तरीके से पूरा यहाँ पे हमने एक एरा हमने देखा था, आप ब्रिटिशर्स के अंदर आजाद हो गए, बट यहाँ पे हमें एक तरीके से इंडिपेंडेंट तो हम हो गए थे, बट अभी हमें यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस एक तरीके से मिला, मतलब नॉट डोमिनियन स्टेट, मतलब की डोमिनियन ऑफ इंडिया और आपका डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान आपको देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो आपका जो रिपब्लिक आपका हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को देखने को मिलता है, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए तब से हम एक तरीके से गणतंत्र दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। ठीक है, हर साल आपको देखने को मिलता है, बट 2023 में जो आपको रिपब्लिक डे आपको बेटा देखने को मिलेगा पूरा यहाँ पे, आपको पता ना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमने एक तरीके से डेवलप आपका किया था पूरा आपको पता होना चाहिए, तो ये इस चीज को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए बेटा यहाँ पे जो 2023 में जो आपके जो यहाँ पे चीफ गेस्ट आपके होने वाले वो हमारे इजिप्ट के जो राष्ट्रपति है अब्दुल फतेह सीसी, ये होने वाले हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इनका बैकग्राउंड देखते हैं। ये आपके पहले इजिप्ट के आपके आपके फॉर्मर आपके आर्मी ऑफिसर बेटा रह चुके, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके अगर देखोगे तो पहली बार ध्यान रखना 2014 में आपके पहली बार आपके राष्ट्रपति बने थे आपके इजिप्ट के, फिर बाद में वापस से ये रीइलेक्ट हुए, क्या हुए, रीइलेक्ट आपके हुए थे बेटा 2018 में, मतलब आपके बहुत समय से आपके इजिप्ट के राष्ट्रपति आपके रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए देखो हमारे गणतंत्र दिवस में हमें कई सारे हमें मुख्य अतिथि देखने को मिलते हैं, जो खासकर आपके जो फॉरेन कंट्री के आपके एक तरीके से लीडर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिछली बार जो आपका गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया था खासकर आपका 2020 में, तब के टाइम जो आपके चीफ गेस्ट आपके थे वो थे हमारे ब्राजील के जो हमारे यहाँ पे जो एक तरीके से जो आपका जो प्रेसिडेंट है जेन आपके बोल्सोनारो। ठीक है, जेर बोल्सोनारो ये आपके पहले राष्ट्रपति आपके थे ब्राजील के, आपको चेंज हो गए आपको पता ही है, ये पहले 2020 में चीफ गेस्ट थे आपके गणतंत्र दिवस के, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। अब बात करते गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भैया आपका जो रिपब्लिक डे तो भैया 26 जनवरी को मनाया जाता है, सुबह सुबह हम यहाँ पे टीवी के सामने बिल्कुल परेड देखते हमारे इंडियन आर्मी, यार क्या बात करें इंडियन आर्मी की, तो
बात ही अलग है। परेड भैया मैं तो सुबह सुबह देखता हूँ पूरा रिपब्लिक डे। पता नहीं आप मुझे बताओ, आप लोग देखते कि नहीं देखते? ठीक है, डिफेंस ऑफिसर हो मुझे बताओ तुम लोग देखते कि नहीं देखते? ठीक है, जोश मिलता है इससे। ठीक है, तो ये जो 26 जनवरी का दिन है ये तो आपका स्पेसिफिक रिपब्लिक डे का रहता है, बट ये आपको पूरा फेज आपको आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा देने को। जैसे कि आपको 23 जनवरी से अगर आप देखोगे, 23 जनवरी को आपको बेटा क्या मनाया जाता है मुझे बताओ, मुझे बताओ, बताया मैंने इसके बारे में? आपका पराक्रम दिवस आपका मनाया जाता है, एक तरीके से बर्थ एनिवर्सरी आपकी मनाया जाता है यहाँ पे। हमारे द ग्रेट द ग्रेटेस्ट वन जय हिंद का नारा यहाँ पे लगाने वाले, जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, तो पराक्रम दिवस इनके एक तरीके से इनको यहाँ पे ट्रिब्यूट देते हुए एक तरीके से इनको मनाया जाता है। और यहाँ पे फिर आपका 30 जनवरी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, 30 जनवरी को बेटा आपका मनाया जाता है बेटा आपका मार्टियर्स डे, किसको यहाँ पे एक तरीके से ट्रिब्यूट देते हुए, नॉट ट्रिब्यूट मतलब कि आपको पता महात्मा गांधी जी का आपका एसेसिनेशन आपका हुआ था, आपको देखने को मिलता है। और इसी दिन को उनके एसेसिनेशन डे को ऐसा रखते हुए एज अ मार्टियर्स डे इसको रखा गया। तो 23 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक का जो फेज है पूरा आपको यहाँ पे पूरा एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। 23 को पराक्रम दिवस, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 30 जनवरी को मार्टिर्स डे आपका पूरा मनाया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट डेज है, इसके बारे में आपको बेटा पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा फैक्चुअल, थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेंगे रिगार्डिंग आपका रिपब्लिक डे कि पहले अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि पहले आपके चीफ गेस्ट आपके कौन थे आपके रिपब्लिक डे में, तो आपको यहाँ पे उसको जवाब देना है कि भैया जो इंडोनेशिया के आपके जो वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो, क्या नाम है इनका, सुकर्नो। ठीक है, देखो भैया इंडोनेशिया भी आपकी डच की कॉलोनी हुआ करता था, वो भी आपका आजाद हुआ था। ठीक है, तो सुकर्नो जी भी आपके बहुत एक आपके अहम आपके पर्सनैलिटी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपसे सवाल पूछे कि भैया भारत के पहले ऐसे कौन से आपके फॉरेन गेस्ट थे आपके रिपब्लिक डे में, तो आपके कौन है, आपके सुकर्नो जी, 1950 में आपको इनका देखने को मिलता है। आगे आप इसके रिगार्डिंग और यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए मुझे बताओ पहली यहाँ पे महिला आपकी गेस्ट कौन देखने को मिलती है आपको गणतंत्र दिवस में, आपको यहाँ पे उसको जवाब देना भैया हमारी जो क्वीन एलिजाबेथ II है हमारी यूनाइटेड किंगडम की, ये आपकी पहली भारत की आपकी मुख्य अतिथि बनी थी आपकी रिपब्लिक डे में। कब आई थी, 1961 में। और यहाँ पे बात करेंगे कि ये आपका लगभग 1952, ये आपके वर्ष आपको बेटा पता होना चाहिए, 1952, 1953, आपका 1966 और आपका 2021 और आपका 2022। ठीक है, इस आपको साल में आपको कोई भी आपको फॉरेन गेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रिसेंट की बात करें आपका यहाँ पे 2021 और 2022 की बात करें तो आपको पता कोविड का प्रोटोकॉल था और इसके चक्कर में इन दो सालों में रिसेंट में हमें कोई भी फॉरेन गेस्ट हमें नहीं देखने को मिलते। 2020 में जो आपके जेयर बोल्सोनारो जो आपके ब्राजील के राष्ट्रपति थे वो आपके चीफ गेस्ट बने थे, उसके बाद आपके जिफ्ट के आपके आने वाले। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया यूएस का आपका कौन इकलौता आपका प्रेसिडेंट जो आपका यहाँ पे चीफ गेस्ट आपका बना रिपब्लिक डे में, तो उनका नाम है हमारा बराक ओबामा। किसका मामा, बराक ओबामा इसका नाम है। ये आपको पता है ही इज द फर्स्ट आपका ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग आपका एक तरीके से रिपब्लिक डे के बारे में। डिटेल में डिस्कस किया, पूरा हिस्ट्री मैंने यहाँ पे आपके तरीके से बता दिया है आसान आपको भाषा में। आइए बेटा नेक्स्ट हमारे खबर में आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि भैया रिपब्लिक डे में तो इजिप्ट के आपके राष्ट्रपति आ रहे, पर जो हमारा प्रवासी भारत दिवस है आपको तो पता ही है इसमें आपके मुख्य अतिथि कौन होने वाले, यहाँ पे एक इवेंट आपका होगा भैया आपको कहाँ पे, आपका इंदौर में आपका देखने को मिलेगा। तो मुझे बताओ इसमें आपके कौन होने वाले है, तो इसमें जो आपके मुख्य अतिथि वो आपके मोहम्मद इरफान अली। नाम याद रखना, क्या है इसका नाम मुझे बताओ गाइज, जल्दी बताओ क्या नाम है इनका, मोहम्मद इरफान अली। ये आपके कैरिबियन कंट्री आपका गुयाना है उसके ये राष्ट्रपति है और इनको यहाँ पे एज अ मुख्य अतिथि के तौर पे इनको बुलाया गया है 17th प्रवासी भारत दिवस पे। कहाँ पे होने वाला है बेटा ये इवेंट आपका, इंदौर में होने वाला है। और इंदौर तो पता है भैया इट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है भाई मुझे बताओ इंदौर के लोग कौन है, भैया इंदौरियन कौन है मुझे बताओ। ठीक है, तो ये आपका जो इवेंट आपका 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 के बीच आपका होने वाला, आपका पूरा प्रवासी आपका इवेंट यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे इनके अलावा ये तो आ ही रहा है आपके भाई साहब, बट इनके अलावा जो आपका ऑस्ट्रेलिया की आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनका नाम आपका जेनेटा, क्या नाम है, जेनेटा मेस्करेनस। ठीक है, ये भी आपकी आने वाली है इस आपके इवेंट में, आपके यूथ प्रवासी भारतीय दिवस आपका 8 जनवरी में। ठीक है, तो ये आपको बेटा पता होना चाहिए क्योंकि भैया प्रवासी दिवस का अपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे भैया एक सवाल पूछा जाए कि आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस आपका हो रहा है इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल। भैया अमृतकाल क्या है मुझे बताओ, अमृतकाल क्या है, यहाँ पे अमृतकाल की बात हो रही है। अभी आपको पता है हमने एक तरीके से इंडिपेंडेंस होते हुए 75 ईयर्स हमें हो गए कंप्लीट, हमने
कर लिए हैं। अमृत काल बोला जाता है 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का ये जो सफर है ये बड़ा बहुत ही एक तरीके से आपका क्रूशियल होने वाला है। इंडिया यहाँ पे एक तरीके से सुपर पावर आपका बनने वाला है, बहुत ही क्रूशियल आपका ईयर इससे आपको देखने को मिलेगा। अमृत काल मतलब की 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेके 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बीच का जो आपका सफर है, आने वाला जो आपका जो 25 साल होने वाला है, ये आपका अमृत काल पूरा चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भारत एक तरीके से ऊंचाइयों पे आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका थीम है, आपको इसको पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जी भी आपकी यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे भैया प्रवासी भारत सम्मान यहाँ पे 10 जनवरी में जितने भी आपके जो लोग होंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनैलिटी, उनको यहाँ पे दिया जाएगा। गाइज गाइज आपको पता होना चाहिए, प्रवासी भारतीय दिवस तो चलो ठीक है, बट मनाया आपका कब जाता है और क्या एक तरीके से ट्रिब्यूट यहाँ पे दिया गया है ये तो मुझे बता दो ना। तो ये है आपका 9 जनवरी को बेटा, हम एक तरीके से हर वर्ष एक तरीके से हम मनाते हैं। एक तरीके से रिपब्लिक ऑफ इंडिया का अगर देखा जाए, जो हमारा भारत एक गणतंत्र हुआ है, एक तरीके से आप देखोगे 9 जनवरी में जितने भी अगर आप देखोगे किसको यहाँ पे सिम्बलाइज किया जाता है, जितने भी आपके जो ओवरसीज आपके यहाँ पे जो लोग रहते हैं, कौन आपके ओवरसीज आपके हो गए, जैसे कि आपके जो एनआरआईज आपके हो गए, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए एनआरआईज का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रिगार्डिंग किस्म से इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भारत का बनाए रखना, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि जब भैया हमारे जो माननीय हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब उन्होंने एक तरीके से आपको पता न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कितने सैंक्शंस लगा दी थी यूएस ने, यूएस ने एक तरीके से हमें क्रम्बल करने का कितना यहाँ पे एक तरीके से पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, बट यहाँ पे हमारे पास किसी का कोई एक तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा था, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, हम एक तरीके से बुरी स्थिति में आ सकते थे, बट ये वही एनआरआई है सारे हमारे भारतीय जो बाहर लोग काम करते, पैसा एक तरीके से जमा कर करके उन्होंने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी में एक तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया, वही एनआरआई लोग हमें पैसा दे रहे थे और एक तरीके से हमारी इकोनॉमी एक तरीके से स्टेबलाइज हुआ। नहीं तो भैया जब हमने न्यूक्लियर एक तरीके से जब हमने यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, सब लोगों ने सैंक्शन लगा दिया, वेस्ट कंट्री ने, कोई सगा नहीं था हमारा, ठीक है, सिर्फ ये जो एनआरआई थे ना इन्होंने पैसा बेच के एक तरीके से हमें योगदान दिया। तो एनआरआई का बहुत बड़ा योगदान है, इसे आपको मैंने एग्जांपल से भी समझाया है, और एनआरआई को वोट देने का अधिकार है, याद रखना, प्रॉक्सी वोट ही सही बट अधिकार है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, थोड़ा डिलेड है, बट अधिकार तो है इनको। ओवरसीज सिटीजन को नहीं है, याद रखना, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज है, और ये आपका 9 जनवरी को ही क्यों आपका रखा गया, बिकॉज आपको पता है हमारे जो महान लीडर महात्मा गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका से भैया आते भैया भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसलिए यहाँ पे 9 जनवरी को बेटा एनआरआई डे आपका प्रवासी दिवस आपका मनाया जाता है। डिटेल में सारी मैंने बात कर ली है, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, आप सबको इसकी जानकारी है कि EWS के रिगार्डिंग जो भैया आपका जो रिजर्वेशन था 10% का, उसको यहाँ पे रखा गया है, उसको बिल्कुल एक तरीके से सस्टेन करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत यहाँ पे बातें चल रही थी जो आपके अदर जो आपके लोग जिन्होंने पिटीशन वगैरह डाला सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये सवाल था कि भैया जो EWS कोटा है आपका, पहले तो आप इसको थोड़ा डेफिनेशन हमें बताओ, इसका क्या मतलब है, हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा। दूसरा यहाँ पे ये बोला गया था जो आपके SCST के जो सपोर्टर्स आपके जो ग्रुप के आपको लोग देखने को मिलेंगे, वो बोल रहे थे क्या ये आपका EWS क्या आपका 100% जो आपका पूरा जो रेंज है इसको वायलेट तो नहीं कर रहा। आपको पता ना 50% जनरल का रहता है, फिर बाकी जो आपका रहता है आपका बाइफर्केटेड रहता है आपका अमंगस्ट आपका ST SC आपका OBC में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि EWS जो आपका जो कैटेगरी है, क्या ये 100% आपका जो रिजर्वेशन जो आपका है क्या उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कई सारे सवाल पूछे गए थे, और फिर आपको देखने को मिलता है आपका एक तो सितंबर में चल रहा था, नवंबर में आपको देखने को मिलता, फिर आपका मामला सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से अपना जजमेंट यहाँ पे बताता है, और यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10% का जो कोटा जो EWS को दिया जाता है आपके गवर्नमेंट जॉब्स में और आपके यहाँ पे कॉलेजेस में, इसको रखा जाएगा, इसको नहीं हटाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और देखो हुआ क्या था 2019 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके EWS के रिगार्डिंग, ठीक है। 2019 में आपको देखने को मिलेगा कि 103rd आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका लाया गया था, ठीक है। कौन सा आपका यहाँ पे आर्टिकल को एक तरीके से किया था आपका आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया था 103rd आपका थर्ड यहाँ पे लाके, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया कि भैया यहाँ पे आपका EWS कैटेगरी को यहाँ पे एक तरीके से 10% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यही आपका था, ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसी के रिगार्डिंग देखेंगे भैया आपका यहाँ पे क्या था। कुछ आपके जज बोल रहे थे भैया नहीं होना चाहिए, कुछ भाई सपोर्ट कर रहे थे भैया EWS का होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो 5 जज का
याद रखना 5 जज का यहाँ पे हमें बेंच देखने को मिलता सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनका यही विषय था कि जो आपका भारत सरकार ने 2019 में आपका 103वां आपका जो आपका अमेंडमेंट आपका लाया था आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 को अमेंड करके जो लाया था और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था, इसमें इनका क्या फैसला था। 3 जज यहाँ पे बोल रहे थे कि ये ईडब्ल्यूएस का कोटा होना चाहिए। कौन कौन आपके जस्टिस थे? दिनेश महेश्वरी, बेला त्रिवेदी और यहाँ पे जेबी परदीवाला। ये 3 आपके जज थे जो भैया सपोर्ट में थे कि भैया ईडब्ल्यूएस को होना चाहिए। आर्थिक एक तरीके से जो मामला है, जो एक तरीके से भाई उनका भी अधिकार है, इसके पास इकोनॉमिकल एक तरह स्टेबिलिटी नहीं है, उसको भी ये सीट तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इनका टेक था। बाकी के जो 2 लोग है बेटा, कौन आपका याद रखना बेटा, आपका यहाँ पे रविंद्र भट्ट जी और आपके जो यू यू ललित जी, जो हमारे अभी आपको तो पता ही है, अभी तो डीवाई चंद्रचूड़ जी आपके बन गए आपके एक तरीके से आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनसे पहले तो आपके यूयू ललित थे, है ना, आपके चीफ जस्टिस। तो ये यूयू ललित जी ने भी बोला था भैया ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होना चाहिए, बट मेजोरिटी आपको पता है 3 is greater than 2। और यहाँ पे 3 जजों का यहाँ पे मद्देनजर तो बात रखते हुए ईडब्ल्यूएस कोटा को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया। तो मैंने आपको इसका पूरा इतिहास बताया है। 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 क्या कहता है भैया, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर जितनी भी आपकी जो चीजें होती है, रेस आपका हो गया, इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है भैया, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए भैया, किसमें, आपकी जॉब्स में। तो इसी आर्टिकल 15 और 16 में अमेंड करके, कौन सा अमेंडमेंट है याद रखना, आपका 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसमें फिर आपका आर्टिकल में आपका यहाँ पे जोड़ा गया ईडब्ल्यूएस के बारे में। डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आप खुद से भी इसको अच्छे से रिसर्च कर लो, क्या बात है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे गाइस, पैसे की बात करें, थोड़े यहाँ पे मजेदार थोड़ी बात कर ले। बात यहाँ पे क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भैया यहाँ पे भाई बड़ी खुशी की बात है, हम यहाँ पे क्रिप्टो की बात कर रहे थे, हम डॉग कॉइन्स की बात कर रहे थे, हम इथेरियम की बात कर रहे थे, भैया आरबीआई बोल रहा हम किसी से कम है के, हम किसी से कम है के। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई ने भैया डिजिटल आपका एक तरीके से आपका रूपी लॉन्च कर दिया, मतलब डिजिटल करेंसी अब आपको देखने को मिल रहा है, भैया खुशी मनाओ। तो यहाँ पे एक तरीके से अभी स्टार्टिंग में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया, मतलब पायलट प्रोजेक्ट मतलब की अभी थोड़ा इसका डेमो वगैरह होगा, मतलब आपको फर्स्ट फेज अभी देखा जाएगा, फिर अगर वो अच्छे से सक्सेसफुल होगा तो इसको एक तरीके से अक्रॉस द कंट्रीज को लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती भैया जैसे कि आपका लॉन्च हो गया तो बिल्कुल एक तरीके से पूरा मॉडल आपका एक तरह से लॉन्च हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा, स्टेजेस में होता है। अभी इसका थोड़ा पायलट प्रोजेक्ट में रखा गया, आपको फुल फ्लेज्ड आपको प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1 नवंबर में आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई ने इसको एक तरह से लॉन्च किया था और यहाँ पे एक तरीके से इसमें इन्होंने आरबीआई ने 2 यहाँ पे 9 बैंक्स को यहाँ पे क्या किया है, पार्टिसिपेशन इसमें करवाया है कि भैया पार्टिसिपेट करो और अपने सजेशन दो और आपके थ्रू एक तरीके से हम इसको क्या करें, लॉन्च कर रहे हैं। कौन कौन सा बैंक है आपका, SBI, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC और आपका HSBC। बेटा जितने भी बैंक है इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि बेटा आपके इंडिया को ये आपके रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, नेशनल बैंक भी आपको देखने को मिलेंगे, प्राइवेट भी देखने को मिलेंगे, बट ये आपके बहुत बड़े बैंक है, तभी आरबीआई ने इनको चुना भी है रिगार्डिंग आपका डिजिटल रूपी के आपके पायलट प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बेटा कि आपका डिजिटल रूपी तो बोला जा रहा है, बट अगर इसका स्पेसिफिक अगर देखा जाए इसका यहाँ पे क्या मतलब है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्या नाम है इसका, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। सेंट्रल बैंक तो मतलब आपको पता ही, विच इज आरबीआई, ठीक है, हमारा भारत में जो आपका जो सेंट्रल बैंक का जो एक एक आपका एक तरीके से आपको देखने को मिलता है आपका आपका आरबीआई है, उन्हीं का है क्या है बेटा, ये डिजिटल करेंसी है, तो इसका नाम ऐसे ही पड़ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी होता क्या, बहुत ही सिंपल, ये एक ऐसा आपका करेंसी है जो आपका आरबीआई के द्वारा आपका एक तरह से इशू आपका होगा, लीगली टेंडर होगा, यहाँ पे कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, देखो वी आर वेरी मच लकी, ये चीज आपको बाहर नहीं देखने को मिलती। देखो आज के टाइम हम इंटरनेट में हमारा 4G 5G आ गया, सस्ते में हमें मिल रहा है, जियो आपका हो गया, बाहर की कंट्री में जाके जरा मुझे बताओ इंटरनेट आपको इतना सस्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब बाहर जाओगे जब इंटरनेट की दिक्कत आएगी ना फिर बोलोगे अरे यार इंडिया बहुत सही है यार इंटरनेट के मामले। सेम भाई इसमें भी अगर आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक अगर यहाँ पे डिजिटल रूपी ला रहा है, डिजिटल करेंसी की बात कर रहा है, भाई कितना आपका यहाँ पे डेवलपमेंट होगा भारत में, कॉन्टेक्टलेस आपका ट्रांजेक्शन, कितना यहाँ पे टाइम बचेगा, कितना यहाँ पे बिजनेस आपको बढ़ेगा। इंडिया भैया नहीं रुकने वाला अमृतकाल, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 प्रकार के आपको यहाँ पे डिजिटल रुपीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपकी उन लोग के लिए जो आपके यहाँ पे जो
बैंक्स आपके हो गए, जैसे कि बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग आपके फाइनेंशियल कंपनीज हो गए, उनके लिए आपका एक अलग आपका पूरा डिजिटल करेंसी आपको बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया भैया CBDCW फॉर होलसेल। ठीक है, ये उन लोग के लिए बनाया गया। तो कुछ आपका आपको यहाँ पे सीबीडीसी देखने को मिलेगा, डिजिटल करेंसी देखने को मिलेगा, जो मोर स्पेसिफिकली दिया गया भैया आपके जो बैंक्स हो गए उनके लिए अलग पूरा सिस्टम रखा गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई उनके लिए बेटा प्रॉपर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब दूसरा जो आपका है दैट इज आपका CBDCR का मतलब क्या है, मतलब ये वो आपकी डिजिटल करेंसी है जो भैया हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये वाला अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपका जो जो जनता में इस चीज को लाना अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पायलट प्रोजेक्ट ही है, देखते आगे जाके इसमें क्या प्रोसीजर होता है, बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बट इतना यहाँ पे मान लो बेटा कि आपके दो टाइप के आपको यहाँ पे डिजिटल रुपये देखने को मिलेंगे, एक फॉर द बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक आपका जनता के लिए रिटेलर्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे न्यूज है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड गाइस, हम कैसे भूल गए, फीफा का फीवर हर जगह चल रहा है, हम कैसे चीज भूल सकते हैं। अब मुझे बताओ फीफा का वर्ल्ड कप आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो मुझे बताओ। मैं तो भैया पोर्टुगल को यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, भले वो मेरी कंट्री है भी नहीं, ठीक है, पता नहीं क्यों आदत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फीफा के रिगार्डिंग आपकी खबर है कि भैया आपके ज्ञान इन्फेंटिनो जो आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल ऐसे करके खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सरप्राइज यहाँ पे हो गए, क्योंकि भैया ये वापस आपके फीफा के आपके अध्यक्ष आपके बन गए हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ज्ञान इन्फेंटिनो जी की बात करें, इनको 4 साल का और यहाँ पे एक तरीके से टेन्यूर इनको वहां पे फीफा का एज अध्यक्ष इनको बनाया गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है तो भैया फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल दे एसोसिएशन, मतलब थोड़ा फ्रेंच टर्म है, तो यहाँ पे मैं आपको एक तरीके से बताना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आपके देखोगे इन्फेंटिनो जी आपके पहली बार अगर आप देखोगे आपके प्रेजेंट कब बने थे बेटा, आपके 2016 से इनका पूरा स्टार्ट हो गया था, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये इन्होंने भैया सेप ब्लैटर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 2016 में और ये आपके अध्यक्ष आपके बन गए थे। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए फिर ये वापस 2019 में बने, मतलब 2016 से फिर 2019 में वापस बने, अब वापस 2022 में बन गए, 4 साल और इनको मिल गया। और ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड आपके चल रहे, मतलब देखा जाए तो इनको इनका जो कंटेस्ट भी आपको हुआ है ना, बिल्कुल यहाँ पे इनको ज्यादा कुछ कंपटीशन देखने को भी ज्यादा नहीं मिला, बड़ा इजीली आपके बन गए। ठीक है, यूनानिमस तरीके से बन गए, आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो आपके अध्यक्ष बन गए, इनको अलग छोड़ो यहाँ पे, अब बात करते मुद्दे की, फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं। भैया कहाँ पे हो रहा है, कतर में हो रहा है, कतर का कैपिटल क्या है, दोहा, क्या है, दोहा, याद रखना। ठीक है, 20 नवंबर से शुरू हो गया है आपका आपका फीफा का वर्ल्ड कप, फीफा का फीवर, 18 दिसंबर में पता चलेगा इस बार वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे स्टार्टिंग मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी आपका पता ही होगा, बट यहाँ पे बात होनी चाहिए 28 टीम यहाँ पे खेलेंगे 8 ग्रुप के हिसाब से, आपको पता होना चाहिए। और जो लास्ट आपका मैच होगा वो लुसेल के स्टेडियम में आपको 18 दिसंबर को देखने को मिलेगा। मुझे बताओ कौन दो टीम है जो फाइनल में जाएगी, मुझे बताओ, जल्दी बताओ कौन सी जाएगी, आपको क्या लगता है। मैं तो ज्यादा पोर्टुगल यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें फीफा जो आपका एक तरीके से क्या है बेटा, एक आपका जो फीफा आपका जो वर्ल्ड कप है एक इंटरनेशनल फुटबॉल आपको कॉम्पिटिशन है, पता होना चाहिए। सीनियर मैन आपके यहाँ पे खेलते, खासकर अभी पर्टिकुलर इसकी बात करी जाए तो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो अभी हाल ही में, अभी तो देखते कौन जीतेगा, बट अभी आपका जो डिफेंडिंग आपका चैंपियन वो कौन आपका बेटा, फ्रांस है। ठीक है, 2018 में आपके फीफा वर्ल्ड कप जीता था, अब 2022 में देखते बेटा कौन यहाँ पे जीतेगा, बहुत देखने वाली बात है। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम आपका फीफा वर्ल्ड कप कौन आपका जीता बेटा, ब्राजील आपका जीता है, कितने बार जीता है, 5 बार जीता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए बहुत ही सिंपल कि भैया अभी तो फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है इसका मैस्किट क्या है, इसका मैस्किट क्या, तो आपको पता होना इसका मैस्किट क्या बेटा, लाएब, क्या है बेटा इसका, लाएब, लाएब एक आपका एक अरेबिक वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है कि ऐसा आपका खिलाड़ी जो बहुत ही अपने स्पेशल क्वालिटीज और अपने स्किल के लिए जाना जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे हो गया, तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं लाएब एक अच्छा यहाँ पे टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भैया वो एक ऐसा इंसान जो बड़ा स्किलफुल है, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है, ऐसे लोग के लिए भैया लाएब का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और यही आपका कतर का आपका यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप का है बेटा मैस्कट है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा, 2026 में जब होगा तो मुझे बताओ कौन होस्टिंग कंट्री है, एक नहीं है, 3 है, यूएस है, मेक्सिको है और आपका कनाडा है। याद रखना, कभी सवाल बने आपका 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ, आपका कतर में हुआ है, 2026 का कब होगा, यूएस, मेक्सिको, कनाडा में होगा, ये सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए फीफा के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो बात है कि रशिया भैया बन गया है एक तरीके से इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर। बिल्कुल आपने सही सुना है,
क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो रशिया अगर आप बात करोगे, अक्टूबर मंथ की अगर बात करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे इसने रशिया ने सऊदी अरेबिया को पछाड़ दिया है, इराक को पछाड़ दिया है, और यहां पे एक तरीके से ये आपका ऐसा कंट्री बन गया जो इंडिया को सबसे ज्यादा आपका सप्लाई कर रहा है। देखो ध्यान से देखना, आपका रशिया ने यहां पे इंडिया को कितना यहां पे आपका ऑयल सप्लाई किया है, 935 आपका देखोगे लगभग कितना आपका किया है आपका 935,556 बैरल। बैरल अगर किसको नहीं पता है, एक बैरल आपका अगर देखोगे मोटा मोटा आपका लगभग 160 लीटर का होता है। कितना होता है, 160 लीटर का होता है, ठीक है। तो लगभग 935,556 बैरल इंडिया को भेजे हैं प्रतिदिन के हिसाब से। इसके हिसाब से अगर देखोगे रशिया ने भैया आपका 22% जो मतलब इंडिया जितना भी आपका जो एक तरीके से आपका इंपोर्ट करता है आपका बहुत सारी कंट्री से करता है, रशिया से नहीं करता है, इराक से करता है, सऊदी अरेबिया से करता है, बहुत से करता है, ठीक है। तो जितना आपका इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 22% जो हिस्सा है जो आपका ऑयल यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट करता है वो तो आपका सिर्फ रशिया ही आपका बन गया है, ठीक है। इराक आपका 20.5%, सऊदी अरेबिया 16%, जो पहले आपके पहले हुआ करते थे अब आपके दूसरे तीसरे आपके बन गए। तो रशिया आपके एक तरीके से अच्छा खासा सप्लाई कर रहा है, ठीक है। क्यों है, वाई रशियन ऑयल इंपोर्ट्स इंक्रीज इन इंडिया, इसका सबसे बड़ा रीजन आपका रशिया यूक्रेन का वॉर, ठीक है, क्योंकि हमें सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। क्या हुआ कि भैया वेस्टर्न कंट्री ने भैया जब रशिया ने यहाँ पे इन्वेट कर दिया यूक्रेन में, ठीक है, उन्होंने अपना रीजन दिया भैया क्यों किया उन्होंने, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री ने सेंक्शन लगा दिया, वेस्टर्न कंट्री ने बोला जाओ भैया हम पुतिन तुमसे नहीं लेगा तेल, जो करना कर लो हम तुमसे तेल नहीं लेंगे, चाहे तुम सस्ते में बेचो हम तो भी नहीं लेंगे तेल। तो रशिया बोला भैया मैं करूं तो करूं क्या भैया, क्योंकि मैं तो एक तरीके से प्रोड्यूसर हूं इस चीज का, ठीक है। तो फिर इन्होंने यहां पे बोला कि भैया एक तरीके से फिर इन्होंने अपने अलायंस को खास करके आपका इंडिया हो गया, इंडिया के पास गया और इंडिया को बोला कि भैया सुनो ना आप हमारा तेल खरीदो क्या। तो यहाँ पे एक तरीके से फिर इन्होंने बोला भैया कितने में दे रहे हो, बोला अरे सस्ते में देंगे क्यों टेंशन ले रहे हो। फिर इंडिया ने बोला ठीक है, फिर हमारे जो जयशंकर थे उन्होंने बोला चलो ठीक है बेटा दे दो हमें, ठीक है। तो ये एक इसका रीजन था जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इनको अच्छा खासा फायदा हुआ। देखो दोनों म्यूचुअल इंटरेस्ट है बेटा, क्योंकि क्या है ना बेटा इंडिया में इन्फ्लेशन चल रहा था, आपको पेट्रोल के प्राइस कितने जा रहे थे 100 के पार पता नहीं कितने जा रहे थे, तो इंडियन गवर्नमेंट तो एक तरीके से बैकफुट में आ गई थी, और यहाँ पे रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से रशिया एक तरीके से तेल बेच नहीं पा रहा था, दोनों का यहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट पूरा हो गया, रशिया ने तेल बेचा उनको वहां पे पैसा मिल गया और हमें सस्ते दाम पे मिल गया, हमारे पेट्रोल प्राइस जनता के लिए कम हो गए। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, हमेशा याद रखना दुनिया में कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है, परमानेंट एनिमी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है, याद रखना। कभी हम लोग होता है रशिया हमारा भाई है, अरे भैया इट्स ऑल अबाउट परमानेंट इंटरेस्ट, दोनों में इंटरेस्ट है तभी हम लोग, कभी कुछ खराब हो जाएगा तो फिर खराब हो गया सिचुएशन, क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा यहाँ पे फिगर्स की बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब आपका देखोगे कि इंडिया हैज नाउ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट बायर ऑफ द रशियन ऑयल आफ्टर चाइना। चाइना सबसे ज्यादा रशिया से तेल खरीदता है, अब हम सेकेंड रैंक में आ गए, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे इंडिया की बात करते रिगार्डिंग आपका ऑयल की बात करें तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द क्रूड ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बाद, यूएस और चाइना के बाद, ठीक है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है, आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो ये सारे जो डेटा है आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट खबर में, मोदी जी है यहाँ पे और यहाँ पे G20 का लोगो है, बिल्कुल सही तुमने यहाँ पे सुना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे G20 का जो एक लोगो है इसको बिल्कुल अनवील कर दिया है, इसको यहाँ पे डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगो थीम, और आपको पूरा वेबसाइट इंडियन G20 का पूरा यहाँ पे कर दिया जो आपका 2023 में आपका होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये आपका जो G20 का लोगो है बड़ा ही प्यारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। G20 देखोगे पूरा आपका जो हमारा जो तिरंगा है जिसके लिए हम यहाँ पे अपनी जान दे सकते हैं, यहाँ पे आपका सैफ्रन व्हाइट ग्रीन कलर इससे आपका पूरा बेटा बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, नेशनल फ्लैग का पूरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका भारत भी आपका लिखा हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोटस के ऊपर आपको यहाँ पे पृथ्वी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका यही सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे अगर मैं लोटस की बात करूं, ये लोटस भैया एक तरीके से ये बता रहा है कि आपका जो हमारे जो पृथ्वी है ये ग्रोथ के लेवल में जा रहा है, और जो भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं इन बिटवीन जो भी इसको फेस करने हैं उसको यहाँ पे नकारते हुए ग्रोथ की ओर हमें आगे बढ़ना, ये आपका लोटस यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। और आपका पृथ्वी एक हिसाब से यही बता रहा है, सिंपल सी बात है, प्रो क्लाइमेट हमें बनना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनना है, और हम एक तरह से पृथ्वी को जितना हो सके मैन की तरफ से जितना हो सके यहाँ पे योगदान हमें देना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया भारत यहाँ पे लिखा देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये एक अच्छी आपकी पहले की भी यहाँ पे हम अपना
अपना एक इंडियन कल्चर यहाँ पे एक तरीके से बता रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसका थीम क्या है, बहुत इजी, क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम भैया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये तो हम मानते हैं, बाकी कंट्री भी मान ले तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये जो आपका टर्म भैया आपका महा उपनिषद, एक एंशियंट आपका एक तरीके से संस्कृत आपका वर्ड है, उससे आपका लिया गया है। और यहाँ पे यही उम्मीद रखते हैं कि भैया G20 जो आपका 2023 में इंडिया में होने वाला है, ये यहाँ पे ह्यूमन एनिमल प्लैनेट और आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब ये आपका टर्म यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, बट यहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच से देखा जाए हमें हर चीज को यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे इंजॉय करना है। ठीक है, इको फ्रेंडली हमें यहाँ पे बनना है। अब यहाँ पे बात करें कि भैया G20 के बारे में बात हो गई, तो आइए डिस्कस करते हैं कि भैया ये आपका मल्टीलेटरल आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्लोबल लेवल के आपको यहाँ पे मीटिंग देखने को मिलती रिगार्डिंग आपका इकोनॉमी, क्लाइमेटिकल सिचुएशन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, कई सारे चीजें बुद्धि के बारे में बात होती है। 19 कंट्री आपको इसके मेंबर देखने को मिलते हैं और एक आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है। कब आपका बना G20? 1999 में आपको देखने को मिलता है और इंडिया भी 1999 से इसका मेंबर है। कितने इसमें मेंबर है आपको पता होना चाहिए, 20 है, एक यूरोपियन यूनियन है। कौन कौन सी कंट्री है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और आपका टर्की, ये सारे आपके कैपिटल्स के अंदर आते हैं। और बाकी आपके ये वाले आपके जो नेशन आपके हो गए ये भी इसके अंदर आते आते हैं, रशिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और आपका यूएस भी आता है। G7 क्या होता है इसके बारे में बेटा नेक्स्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ये आपका थोड़ा इंटरनेशनल आपका खबर है। क्या है भैया कि स्लोवेनिया की आपको पहली महिला राष्ट्रपति देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही सुना है, नताशा पर्क इनका नाम है। ये भैया बन गई भैया स्लोवेनिया के पहली आपकी महिला आपकी राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इनके विरोध में यहाँ पे कौन आपका खड़ा था आपके कंपटीशन में, ये आपकी जो स्लोवेनिया की जो आपकी फॉर्मर जो फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था एंजेल ओगर, इनको यहाँ पे हरा के बेटा ये आपकी क्या बन गई, नवंबर 13 में जो आपके इलेक्शन का रिजल्ट आ गया वहां पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब सेकंड राउंड आपका हुआ था, फिर आपको देखने को मिलेगा इनको यहाँ पे एक तरीके से ये जीत गए इनसे आपका एंजेल ओगर से। भैया हार्डली कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इनको 54% ऑफ वोट शेयर इनको दिए गए और लोगर जी को जो आपकी यहाँ पे थी जो इनके कंपटीशन में थी इनको यहाँ पे सिर्फ 46% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वोट शेयर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ भैया नताशा पर्क आपकी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फिगर बन गई, क्योंकि भाई पहली बन गई यहाँ पे यार, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे ये आपका 1991 में आपको अगर पूरा इतिहास पता होगा यूगोस्लाविया आपके बहुत बड़ी आपका साउथ ईस्टर्न आपकी कंट्री आपका हुआ करता है यूरोप में, वो आपको 1991 में आपको टूटता हुआ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा बात करते जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया यहाँ पे इससे पहले जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति आपके रहे थे उनका नाम था पोरुद आपके बोरुद पेहोर। ठीक है, क्या नाम था बेटा इनका? बोरुद पेहोर, जो स्लोवेनिया के पहले राष्ट्रपति थे। इनको इनका भी दो टर्म पूरा चला, अच्छा खासा चला। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नताशा पर्क आपको देखने को मिलेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेटा स्लोवेनिया के बारे में थोड़ा समझते, देखो आपका पहले यहाँ पे यूगोस्लाविया आपका हुआ करता 1991 से पहले। ठीक है, देखियो जैसे आपका यूगोस्लाविया में आपको कौन सी कंट्री आती थी, आपका स्लोवेनिया आपका आता था, क्रोएशिया आता था, बोस्निया आपका यहाँ पे आता था, सर्बिया, मोंटीनिग्रो आपका, नीचे देखोगे आपका मैसेडोनिया भी आता था। बहुत बड़ा आपका कंट्री आपका यूगोस्लाविया हुआ करता था, बट 1991 में क्या हो गया था यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसको एक तरीके से आपको डिसइंटीग्रेशन आपको देखने को, जैसे आपके यूएसएसआर आपको टूट गया था आपको पता है, यूगोस्लाविया में आपको टूटते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में बेटा बहुत यहाँ पे आपको यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला। ठीक है, अब ये आपकी कंट्री आपकी टूट गई, यहाँ पे देखो 1991 में आपका सबसे पहले आपका स्लोवेनिया अलग हो गया, क्रोएशिया अलग हो गया, फिर बाद में आपको मैसेडोनिया, फिर आपको कई सारे आपको कंट्रीज आपको अलग होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए। कैपिटल इसका क्या बेटा, इसका यहाँ पे देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपका ल्यूबजाना। करेंसी यहाँ पे यूरो ही चलती है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है बेटा आपके? रॉबर्ट गैलोप। ठीक है, देखो रॉबर्ट गैलोप यहाँ के प्रधानमंत्री है, आपकी नताशा पर्क आपकी राष्ट्रपति आपकी बन गई। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे क्या बेटा? स्लोवेन है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं गाइस, मुझे बताओ भैया हमें देखने को मिलते हैं भारत के 50वें यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शपथ इन्होंने ले ली है। तो यहाँ पे देख सकते हो डीवाई चंद्रचूड़ जी यहाँ पे एक तरीके से नए हमारे यहाँ पे चीफ जस्टिस बन गए। 9 नवंबर को दिया इन्होंने यहाँ पे लिया यहाँ पे शपथ। कौन है यहाँ पे बगल में बताओ? यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति, पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में गए थे, यहाँ पे मस्त कोट वोट पहन के जो आपका चीफ जस्टिस आपका होता है गए यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने शपथ ली है। और यहाँ पे अगर आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि भैया इन्होंने किसको यहाँ पे एक तरीके से किसके सक्सेसर आपके बन गए, तो आपको पता होना चाहिए यूयू ललित। ठीक है, हमारे जो इससे पहले जो 49th हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका नाम था यूयू ललित, इनको यहाँ पे एक तरीके से सक्सेस यहाँ पे करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी। और इनका इतिहास देखो, इनके पापा भी रह चुके भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है,
पूरा इनका इतिहास, पूरी फैमिली बैकग्राउंड इनकी देखोगे तो बहुत महान आपको देखने को मिलेगी। आई थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं इनके बारे में। तो डीवाई चंद्रुचि भैया इनका अगर आप करियर पूरा बैकग्राउंड बेटा देखेंगे तो भैया इनका जन्म 11 नवंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 1959 में आपको देखने को मिलता है। ये अगर देखोगे पहली बार आपको सुप्रीम कोर्ट के जज आपको देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे 2016 में 13 में, ठीक है, पता होना चाहिए इनके बारे में। और यहाँ पे बात करोगे ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आपका प्रयागराज आपका बन गया इसके चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं 31 अक्टूबर 2013 से। तो ये इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बहुत बहुत इन्होंने अहम फैसले बेटा लिए हैं आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग आपका सेक्शन 377 आईपीसी का हो गया, आधार का आपका हो गया, साबरीमला केस आपको जो टेंपल के जो आपको केरल टेंपल में वुमेन के एंट्री में बैन आपको देखने को मिलता है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, एंट्री यहाँ पे एक तरह से दिलवा दी थी यहाँ पे, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी टू अनमैरिड वुमेन, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है जैसे कि अबॉर्शन जो आपका होता है नॉर्मली जो आपके जो मैरिड वुमेन होते हैं उनको एक तरीके से सर्टेन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है फेसबुक उनका वो आपका अबॉर्ट कर सकती है, ठीक है ना। अनमैरिड के लिए वैसा आपको कंडीशन नहीं देखने को मिलेगा बट अब आपको देखने को मिलेगा कि इनके इनके बेंच में आपको देखने को मिलेगा कि जो अनमैरिड वुमेन है वो भी आपका अबॉर्शन कर सकती है आपका कुछ आपके सर्टेन आपके हफ्तों में। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इनका फैसला था, बहुत लोग इनको यहाँ पे प्रशंसा भी कर रहे थे। तो ये इनका पूरा यहाँ पे आपका पूरा इतिहास है, पूरा इनका यहाँ पे एक तरह से करियर आपका है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आ जाते हैं वापस G20 में, लोगों की तो हमने बात कर ली जो 2023 में होने वाला है, पर जब इंडोनेशिया जो 17वां आपका G20 समिट आपका जो बाली में हुआ है उसके बारे में तो बात कर ले। मोदी जी भैया 3 दिन के आपके दौरे में यहाँ पे गए थे, आपका 14, 15, 16 पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मीटिंग देखोगे तो आपको दो ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, 15, 16 में हुआ था, ठीक है ना। 15, 16 नवंबर आपका यहाँ पे बाली में आपको G20 का आपको मीटिंग देखने को मिलता, आपको 17 आपको देखने को मिलता, ठीक है। और समिट का बेटा थीम क्या रखा गया था आपको पता होना चाहिए, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये आपका पूरा यहाँ पे थीम था बेटा, इसको याद कर लो, ठीक है। किन मुद्दों पे यहाँ पे आपके जो बाकी जो आपके जो 19 कंट्री रहेगा आपका यूरोपियन यूनियन है यहाँ पे किन मुद्दों पे यहाँ पे काम करेंगे बात करेंगे, सिंपल सी बात है 3 मुद्दे हैं यहाँ पे आपके। एक आपका फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, देखो ये दो मुद्दे है, ठीक है, आपको पता है रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से फूड की हमें कमी यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है, आपका जो एक तरीके से जो फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू आपका बन गया पूरे विश्व भर में। एनर्जी का देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ, रशिया एक तरीके से आपको यूरोप में एक तरीके से आपका एनर्जी सप्लाई नहीं करता, आपको कट कर दिया था, कई सारा आपको इशू पता ही होगा, ठीक है। तो हेल्थ का इशू, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे तब्दील ला सकते, कैसे हम और एडवांस हो सकते, इसके रिगार्डिंग पूरी आपके यहाँ पे बात आपकी की गई है। बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है। अब इसी में आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया ने भैया यहाँ पे एक तरीके से अध्यक्षता किसको दे दी है आने वाले टाइम में, मुझे बताओ भैया इंडिया को दे दी है, ठीक है। और ये आपका अगले साल सितंबर 2023 में इंडिया क्या करेगा बेटा, G20 समिट कहाँ करेगा, नई दिल्ली में करेगा। तो भैया बहुत बड़ी खबर है, इससे पहले आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया 17वां और अब 18वां आपके G20 समिट आपको भारत में देखने को मिलेगा। और मोदी जी अगर आप देखोगे जो आपका यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे गए थे आपका आपका इंडोनेशिया आपके गए थे, उन्होंने एक ही चीज यहाँ पे बात की, यहाँ पे क्लाइमेट के रिगार्डिंग बात हो रही थी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए मोदी जी ने यहाँ पे बोला कि भैया यहाँ पे हमें लाइफ जो हमें है लाइफ मतलब कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन जो इन्होंने चलाया था, इसका कहने का ये मतलब है कि भैया ये लाइफ मूवमेंट आपका यहाँ पे मोदी जी के आपके पहल है, गुजरात से इन्होंने शुरू किया है, इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पे छोटे छोटे लेवल में भी हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकते हैं, हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अगर बोलो हमें एक आध किलोमीटर अगर हमें जाना है हम गाड़ी उठा लेते हैं, अरे क्यों भाई साइकिल से भी जा सकते हो ना, फैन चल रहा है बंद कर लो, एसी क्यों कर रहे हो भैया, ताजे हवा में रहो, ठीक है, जब जरूरत है तब कर लो। तो हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव ला सकते हैं, हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो सकते हैं। और इसी चीज को यहाँ पे लाइफ मूवमेंट से जोड़ते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भैया गुजरात में इसकी शुरुआत की थी और इसी को यहाँ पे उन्होंने G20 में भी आपको यहाँ पे पहल इनकी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल रखो यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसका थीम क्या होगा ये तो मैंने आपको बता दिया है, आपका अगले साल वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। तो गाइज जो भी इंपॉर्टेंट इसकी बात थी मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया है। आ जाते हैं हमारे दूसरे यहाँ पे इवेंट में जो हमें देखने को मिलता है, COP27 जो इजिप्ट में हमें देखने को मिलता है। क्या मतलब है इसका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग आपका क्लाइमेट की रिगार्डिंग आपको पूरा आपके समिट आपको देखने को मिलता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भैया कहां पे ये हुआ है तो आपका शर्म अल शेख इजिप्ट में आपको देखने को मिलता है 6 से 18 नवंबर के बीच आपका COP27 आपका चला और इसका विषय क्या था, डिलीवरिंग फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है, बहुत अच्छा विषय, ठीक है। यहाँ पे हमारे भारत की तरफ से कौन वहां पे गए थे, रिप्रेजेंट किसने किया भारत को आपके COP27 में, तो हमारे जो यूनियन में से हमारे जो पर्यावरण के जिनका नाम भैया भूपेंद्र यादव जी, ये यहाँ पे गए थे डेलीगेशंस के साथ और COP27 में आपके हिस्सेदार आपके बने थे और अपनी बात इन्होंने कई सारी रखी भी थी, ठीक है। अब COP27 बेटा 3 मुद्दों में आपका काम करेगा,
किसमें? तीन मुद्दों में आपका काम करेगा, जैसे यहां पे आपका डिस्कशन करेगा। कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है, जो कि एक बहुत बड़ा आपका चैलेंजिंग इशू है। उन कंट्री की मदद करनी है जो आपका क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग आपका यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे अपलिफ्टिंग करने के लिए यहाँ पे आपको उन कंट्रीज की मदद करनी है। और उन कंट्रीज में अगर आप देखोगे, जो खासकर आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट, एक तरह से फंडिंग भी उनको देना है कि वो क्लाइमेटिकल एक्टिविटीज में एक तरीके से पार्टिसिपेट करे। तो ये तीन आपके मुद्दे हैं जिसमें यहाँ पे COP27 में आपको मीटिंग देखने को मिलती है। अफ्रीका को यहाँ पे मद्देनजर रखा हुआ है, क्योंकि अफ्रीका का आपको इश्यू तो आपको पता ही है क्लाइमेट के रिगार्डिंग, तो इसमें आपका पूरा COP27 का आपको मीटिंग देखने को मिलता है शर्म अल शेख में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका COP26 आपको कब देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपको पिछले साल आपको देखने को मिला था। अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? आलोक शर्मा जी, भैया इंडियन भाई, पता ही होना चाहिए, ठीक है। 31 अक्टूबर से लेके आपको 13 नवंबर 2021 के भाई 20 आपको देखने को मिलता है, और आपका 2021 हां इसको याद रखना, ठीक है। 22 में तो अभी चल ही रहा है, और जो पहला आपका जो कॉप आपका जो समिट आपको देखने को मिलता है वो आपको 1995 में बर्लिन जर्मनी में देखने को मिलता है। पूरा जो COP27 के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट बात थी मैंने यहां पे आपको डिटेल में बता दिया। और भैया ये जो खबर है ये नहीं रुकने वाला है, ये नहीं थमने वाला है, क्योंकि भैया ये हमारे जो इंपॉर्टेंट फिगर है उनकी ये खबर है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को यहाँ पे अनवील कर दिया है। यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आपको स्टैच्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। 108 फीट आपका टॉल आपका यहाँ पे ब्रॉन्ज का स्टैच्यू आपको देखने को मिलेगा। किसका स्टैच्यू है? अरे भैया विजयनगर एम्पायर, पता है कि नहीं पता है? भैया बहुत बड़ा विशाल आपका एम्पायर, सिर्फ आपके एरिया से नहीं आपका एडवांसमेंट में भी, ठीक है। हम्पी का शहर, मार्को पोलो क्या बोल के गया था, भैया मैं पूरी दुनिया घुमा बट हम्पी जैसा शहर मुझे नहीं देखने को मिला। अरे ये था हमारा इंडिया, ये था हमारा विजयनगर एम्पायर। उसी के जो आपके आपके जो सरदार थे जिनको चीफटेन बोला जाता है, आपके बेंगलोर के एक तरीके से सिटी के आपके यहाँ पे फाउंडेशन उन्हें ही रखी थी, इनका नाम है बेटा केम्पी गोबड़ा, ठीक है। तो केम्पी गोबड़ा अगर आप देखोगे एक तरीके से इन्हीं का यहाँ पे स्टैच्यू आपका लगाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फिगर है। और यहाँ पे देखोगे इन्हीं को यहाँ पे कोमेमोरेट करते हुए बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो इनको यहाँ पे श्रद्धांजलि के तौर पर यहाँ पे आपका यहाँ पे अनवील किया स्टैच्यू को, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इनकी अगर बात करें, इनका पूरा नाम नदा प्रभु हिरिये केम्पी गोबड़ा, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। इनको शॉर्ट में अगर देखें केम्पी गोबड़ा के नाम से बोला जाता है। ये भैया विजयनगर एम्पायर के अंदर बेटा क्या थे बेटा, आपके सरदार मतलब चीफटेन थे। आपको पता ना आपका जो बहुत बड़ा एम्पायर होता है तो कुछ आपको इलाकों को संभालने के लिए बेटा यहाँ पे एक तरीके से एज अ सरदार के रूप में किसी को अपॉइंट किया जाता है, आपका एम्पायर, ठीक है ना। तो यही आपको कुछ इसी प्रकार थे, और बैंगलोर के इन्होंने पूरा फाउंडेशन बेटा इन्होंने रखी थी। बहुत ही एजुकेटेड रूलर थे, अरे गाइस बहुत ही एजुकेटेड रूलर थे, एडवांस थे। और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कई सारे बैंगलोर को 45 भी किया था आपके एक तरीके से 1537 में, और ये कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन के लिए भी जाने जाते हैं, बैंगलोर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे बताओ स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी हमें देखने को मिलता भैया आपका हुआ है, बताओ स्टैच्यू ऑफ बिलीफ हमें कहां देखने को मिलता है, मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैच्यू की अगर बात करें, ये आपका रामवी सूतर जी ने आपको एक तरीके से पूरा आपका बनाया, डेवलप किया है। ये वही आपके यहाँ पे एक तरीके से आपके बंदे हैं जिन्होंने आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका बनाया, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी आपका लगभग 98 टन आपका ब्रॉन्ज का देखने को मिलेगा, और लगभग 120 टन आपका स्टील का बना हुआ देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे एक अच्छी खबर है भैया, हम अपने इसे टूरिज्म बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है, इतने स्टैच्यूज आपके बन रहे टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात स्पोर्ट्स में आ जाए तो बात करते हैं शरत अचंता जी आपके जो है, जो आपके टेबल टेनिस के पहले महान आपके खिलाड़ी है, ये आपके भैया ध्यानचंद, इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जिसको बोले राजीव गांधी खेल रत्न बोला जाता है, बिल्कुल सही सुना है आपने। यहाँ पे इनको 30 नवंबर भैया आज के दिन भैया मिठाइयां बांटो, शरद अचंता जी को यहाँ पे एक तरीके से आज ही के दिन राष्ट्रपति भवन में बुला के इनको यहाँ पे मेजर ध्यानचंद इनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मान किया जाएगा, बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। बाकियों की बात करते हैं, इसी कैटेगरी में अगर आप देखोगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको यहाँ पे दिया जाएगा भैया 2022 का, तो अश्विनी अकुनी जी जो आपके एथलेटिक आपके एक तरीके से कैटेगरी में है, धर्मवीर सिंह जी आपके हॉकी में है, और आपके बीसी सुरेश जी जो कबड्डी के हैं, और नीर बहादुर गुरुंग ये आपके पैरा एथलेटिक है, इनको यहाँ पे मेजर ध्यानचंद अवार्ड रिगार्डिंग आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया, इनको सम्मानित किया जाएगा। मेन प्लेयर तो आपके शरद जी आपके, आपको बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे गाइज
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड आपको क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये आपका जो अवार्ड है ये उन्हीं लोग को दिया जाता है स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाता है, पहले याद रख, कई लोगों को पता भी नहीं होगा ठीक है, जिनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है भैया चार साल के पिछले चार साल के पीरियड में, ठीक है, मतलब शरद अचंदा जी का जो अभी का पिछले साल का जो पूरा चार साल का अगर हम पूरा इनका इतिहास देखेंगे करियर देखेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत ही एक तरह से फैंटाबुलस उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया आपके इंडियन स्पोर्ट्स में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न से इसको बोला जाता था, 2021 में इसका नाम बेटा चेंज कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। द ग्रेट वन भैया इंडियन आर्मी क्या होती है ना, इनसे सीखो, पता है तुम लोग तैयारी करो ना इनको इंस्पायर, इनसे इंस्पायर हो दो। क्यों, जब भैया खेल रहे थे भैया आपके जर्मनी में, ठीक है, गोल पे गोल दाग रहे थे और भैया आपके हिटलर बोलते भैया मेरे टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे ले रहा हूँ, आओ मेरे टीम में आ जाओ, क्या करोगे इंडिया में जाके, आओ जर्मनी के पास आ जाओ, ठीक है, इन्होंने भैया आप कुछ भी कर लो बेटा मैं अपने देश को तो नहीं छोड़ूंगा, ये है आपका इंडियन आर्मी, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, भले कोई भी स्थिति आ जाए, बुरी स्थिति भी आ जाए, देश को कभी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बात करते, थोड़ा मेजर ध्यानचंद अवार्ड की थोड़ा बात करते बेटा, ये आपका देखोगे अगर हम देखें तो पहले आपके कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको यहाँ पे मेजर आपका यहाँ पे खेल रत्न अवार्ड दिया गया था इसमें, तो ये आपके जो चेस प्लेयर आपको तो पता, द ग्रेट वन, द वर्ल्ड चैंपियन, द ग्रैंड मास्टर आपके विश्वनाथन आनंद जी, इनको पहली बार इनको बेटा इनको दिया गया, ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। यंगेस्ट कौन थे बेटा आपके, अभिनव बिंद्रा जी, आपको तो बेटा पता ही होना चाहिए, पिस्टल शूटर, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में आपके एकलौते आपके गोल्ड मेडलिस्ट, ये आपके यंगेस्ट आपके स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको यहाँ पे बेटा दिया गया था आपका खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। अगर फीमेल में अगर बेटा बात करें तो यहाँ पे कर्णम मलेश्वरी जी, ठीक है, तो कर्णम मलेश्वरी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव द खेल रत्न अवार्ड इन 94-95, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ये खेल रत्न अवार्ड शुरू कब से हुआ, तो 91-92 से हुआ है, ये सारी जानकारी बेटा आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट भैया आप थोड़ा साइंस और टेक की थोड़ी बात कर ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया इंडिया ने, अरे भैया हम यहाँ पे रुकी नहीं रहे भैया रिकॉर्ड बनाने में, इसरो ने एक तरीके से पहली बार एक प्राइवेट आपके रॉकेट को कर दिया है लॉन्च, मतलब दरवाजे खुल रहे, अब आपका इसरो अब सिर्फ आपका एक पब्लिक सेक्टर या फिर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का आपका पार्ट नहीं है, अब प्राइवेट को भी यहाँ पे इंक्लूजन देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे इंडिया एक तरीके से बहुत डेवलप होने वाला है। क्यों, क्योंकि तो भारत सरकार का आपका फैसला है कि भैया अब आपका एक तरीके से अगर कोई स्पेस मिशन में जाना चाहता है तो भाई प्राइवेट वाला भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है स्काई रूट के हिसाब से। स्काई रूट एक आपका स्टार्टअप कंपनी है, आपको देखने को मिलेगा, हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी है रिगार्डिंग स्पेस, आपका एक तरीके से रॉकेट्स वगैरह बनाती है पूरा यहाँ पे आपका, जैसे जो इसरो आपका काम करते हैं वैसे ही कुछ है। इन्होंने यहाँ पे पहला इन्होंने बनाया अपना मिसाइल या रॉकेट बोल सकते हो, जिसका नाम है विक्रम एस, ठीक है, विक्रम एस, विक्रम साराभाई को आपका यहाँ पे डिनोट करते हुए पूरा इन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यूट इनको दिया हुआ है विक्रम एस के नाम से, वैसे विक्रम सब ऑर्बिटल के नाम से इसका पूरा होना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे इसरो ने बोला भैया क्या हो गया तुम्हें यहाँ पे लॉन्च करना है क्या, स्काई रूट बोल रहा हाँ बिल्कुल हमें करना है, हमने इतनी मेहनत से विक्रम एस बनाया, तो इसरो बोला चलो ठीक है आओ हमारे स्पेस स्टेशन हमारा जो श्री हरिकोटा वाला है ना हैदराबाद से वहां कर लो, ठीक है वहां से कर लेते, ठीक है मैं बड़ा जनरलाइज होकर बोल रहा हूँ बट ऐसा नहीं है, पूरा आपका एक अग्रीमेंट आपका होता है, ठीक है ना। तो श्री हरिकोटा से देखोगे इसरो के आपका जो वहाँ पे एक स्पेस स्टेशन है वहां से आपका विक्रम एस जो स्काई रूट का इसरो का नहीं है आपको प्राइवेट आपका रॉकेट है इसको भैया लॉन्च कर दिया है, और आपको पता होना चाहिए भाई बहुत आपका सक्सेसफुल आपका मिशन हुआ था, सब ऑर्बिटल मिशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इस मिशन का नाम क्या था तो प्रारंभ, क्या है भैया प्रारंभ, आरंभ है प्रचंड और प्रारंभ हमें करना है, ठीक है। तो ये एक किस्म से जो वर्ड्स आपके लिए जाते हैं बहुत ही खतरनाक आपके लिए जाते हैं, बड़े मजेदार आपके लिए जाते, ठीक है। तो ये आपका बेटा जो आपका विक्रम ऐसे एक सब ऑर्बिटल आपका रॉकेट है, ये आपके देखोगे आपको पूरा 2 साल इसको लगे पूरे बनाने में, बहुत शुरू से इसको बनाने में लगे, कई यहाँ पे देखोगे आपका 3D प्रिंटर कंपोनेंट्स, आपका कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर्स, कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। आप यहाँ पे देखो इसका जो पेलोड भी देखोगे आपका 80 किलो का आपको देखने को मिलेगा, सब ऑर्बिटल आपका मिशन है। आपको पता ना आपका जो पृथ्वी होता है ना इसके अलग अलग ऑर्बिट्स में आपको सैटेलाइट्स आपको अलग आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपका जियो संक्रमण आपका एक सैटेलाइट होता है, आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट आपका होता है, लो अर्थ ऑर्बिट आपका होता है, पोलर टू पोलर आपको देखने को मिलते हैं, सारे ऑर्बिट होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं भैया स्काई रूट की बात करते हैं, ये स्काई रूट जिसने भैया आपका विक्रम एस बनाया है, ठीक है, ये आपकी इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर आपकी कंपनी है, आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में है, कौन इसके फाउंडर भैया पवन, आपका पवन कुमार चंदाना और आपका नागा ढाका, ठीक है, ये आपके इसके बेटा फाउंडर है और ये आपके इसरो में भी आपके काम कर चुके हैं, आपके आप कैसे तो फॉर्मर इसके यहाँ पे साइंटिस्ट आपके रह चुके हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग आपका अपॉइंटमेंट, आपके सीवी आनंद बोस जी आपके बन गए हैं आपके वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर, क्या बन गए हैं नए गवर्नर आपके बन गए हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे इसका पूरा यहाँ पे देखेंगे पूरा हिस्ट्री कैसा रहा है, देखो क्या हुआ था
कि ये पहली बात तो आपको पता होना, ये आपकी 1977 बैच के आपके एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। कैरल काडर के, कहा बेटा, कैरल काडर के, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके सेक्रेटरी भी आपके भारत सरकार के लिए रह चुके हैं, ये आपके मुख्य सचिव जिसको चीफ सेक्रेटरी बोला जाता है, ये भी आपके रह चुके आपके कैरल के काडर में। और आपके यहाँ पे देखोगे आपका वाइस चांसलर भी यूनिवर्सिटी के रहे, भाई आपका आईएएस अधिकारी अलग अलग आपको इसमें देखने को मिलेगा मिलेगा, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जॉब है आपकी, ठीक है ना। अब द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में देखो, द्रौपदी मुर्मू जी इनको यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे क्या करेगी बेटा, यहाँ पे ओथ इनको दिलवाएगी भैया किसको, यहाँ पे गवर्नर को, ठीक है, प्रेसिडेंट ही पूरा करता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। बाय द प्लेजर ऑफ आपका प्रेसिडेंट गवर्नर आपका रह सकता है, निकाला भी जा सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा, इससे पहले हमारे जो अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या बेटा, अभी के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है क्या नाम है उनका, जगदीप धनकर जी, ठीक है, जगदीप धनकर जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ये पहले बेटा अपॉइंटमेंट से पहले, ये पहले बेटा वेस्ट बंगाल के आपके पहले क्या थे बेटे, गवर्नर थे। तो ऑब्वियसली बात है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपना पद छोड़ दिया, तो पद तो खाली था, तो अभी ना कोई अपॉइंटी भी नहीं था तब तक, ठीक है, कोई डिजर्विंग वाला, तो वैक्यूम ना क्रिएट हो, तो इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपके धनकर जी के बाद यहाँ पे आपको मणिपुर के जो आपके गवर्नर थे जिनका नाम था ला घेनेसन, ठीक है, ये आपका इनको एक एडिशनल चार्ज दिया भैया, तो मणिपुर तो संभाल रहे हो, वेस्ट बंगाल का भी तुम यहाँ पे हम तुम्हें यहाँ पे गवर्नर बना रहे, एक एडिशनल चार्ज दे रहे जब तक हम कोई नया अपॉइंट ना कर ले, ठीक है, क्योंकि भैया धनकर जी तो चले गए भाई, तो एक इनको एडिशनल चार्ज दे दिया। अब यहाँ पे आनंद बोस जी को भैया फुल यहाँ पे अपॉइंट इनको कर दिया गया है, और यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए रिगार्डिंग आपका अपॉइंटमेंट, सवाल तो बन सकता है। अब इसी की रिगार्डिंग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अरुण गोयल जी भैया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के यहाँ पे आपके क्या बन गए, आपके यहाँ पे एक तरीके से चेयरमैन आपके बन गए, सो आपके कमिश्नर आपके बन गए। आपको पता नहीं था थ्री मेंबर बॉडी, पता है कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर इज अ थ्री मेंबर बॉडी, एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और दो उसको असिस्ट करते हुए आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो आपके तो राजीव कुमार जी हो, तो आपको पता ही होना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर की एक पोस्ट खाली थी आपकी, उसको यहाँ पे भर दिया गया है, उनका नाम यहाँ पे क्या भैया, आपके यहाँ पे अरुण गोयल जी है, ये भी आपके आईएएस अधिकारी पंजाब काडर के हैं, इनको यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी एक तरीके से इनको यहाँ पे अपॉइंट आपको पूरा यहाँ पे करेगी, और ये तो हो ही गया आपका, ये आपके बेटा 1985 के बैच के आपके अधिकारी है, और ये किसको भैया आपके किसके यहाँ पे इनको सहयोग मिलेगा, राजीव कुमार जो आपके कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और दूसरे कमिश्नर कौन है आपके, अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, ये आपके कमिश्नर है। अब नए कमिश्नर हमें देखने को मिल रहे बेटा जिनका नाम है अरुण गोयल जी। आइए थोड़ा इलेक्शन कमीशन की थोड़ा बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन कब देखने को मिलता है, 25 जनवरी 1950 में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको एस्टैब्लिश होते हुए देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 34, याद रखना, ठीक है, पार्ट कौन सा 15, ठीक है, याद रखना, ठीक है, सारे जो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन की बात है आपको पता होनी चाहिए। क्या आपका इलेक्शन कमीशन, क्या आपका लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराता है, नहीं कराता है, पंचायत के इलेक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं कंडक्ट करता है, आपका अर्बन गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कंडक्ट करता है, वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ आपका जो आपके असेंबली के इलेक्शन होते हैं, आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं, या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, ये आपको पूरा कंडक्ट आपके इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका लोकल गवर्नमेंट का आपको कराता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बेटा इसका पूरा इतिहास अगर देखेंगे तो आर्टिकल 324 याद रखना, ये हमारे राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है, पावर देता है कि भैया वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर को चुन सकता है। अब अगर हम पूरा इतिहास अगर देखेंगे, इलेक्शन कमीशन जो स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, इट वॉज अ वन मेंबर बॉडी, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन ही हुआ करता था, कोई यहाँ पे दो या तीन नहीं हुआ करते थे, ठीक है, विद चीफ इलेक्शन कमीशन पोस्ट, ठीक है। बट 16 अक्टूबर 1989 में अगर आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति ने यहाँ पे दो यहाँ पे मेंबर को यहाँ पे अपॉइंट किया है, एंड इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तब से 1989 से हमें मल्टी मेंबर बॉडी हमें देखने को मिलती फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कि 1988 तक आपको तो चीफ इलेक्शन जो आपको देखने को मिलता है, कमीशन ही पूरा यहाँ पे कमीशन को संभालता है, इट वाज अ वन मेंबर बॉडी, 89 से हमें मल्टी मेंबर बॉडी होते हुए देखने को मिलता है। ये आपको सारी बेटा जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं फिर भूलूंगा, ये रिश्ता कहलाता क्या है, ठीक है। यहाँ पे बात करोगे, रशिया सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई इंडिया को कर रहा है, सऊदी अरब इराक को पछाड़ते हुए, अब भैया आपका फर्टिलाइजर में भी आपका आ गया है, ये आपकी बहुत बड़ी आपकी बात है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रशिया आपका बिगेस्ट सप्लायर फर्टिलाइजर का भी बन गया है, भाई बताओ क्या बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो फाइनेंशियल ईयर हमारा बेटा 2022-23 का है, इसे अगर हम पहला अगर हम फर्स्ट हाफ को यहाँ पे कंसिडर करें, जून तक अगर हम कंसिडर करें बेटा पूरा, तो यहाँ पे भैया इसने चाइना को रिप्लेस कर, देखो
चाइना हमें सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स एक तरीके से हमें सप्लाई करता था, ये आपको पता होना चाहिए। सैड है बट ट्रूथ है, बट क्या करें, डिपेंडेंसी तो होती है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो चाइना सबसे ज्यादा हमें फर्टिलाइजर एक तरह से सप्लाई करता था भारत में, हम इंपोर्टर थे बड़े, ठीक है, चाइना के, ठीक है, रिगार्डिंग आपको फर्टिलाइजर, ठीक है। चाइना को पछाड़ते हमने यहाँ पे रशिया को एज ए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सस्ते में हमें दे रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर का हमने पूरा यहाँ पे फायदा उठाया है, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिले रशिया यहाँ पे टॉप पे आपका यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां पे लगभग 2021 और 22 का अगर आंकड़ा देखे, ठीक है, लगभग 6% भैया हम यहाँ पे सप्लाई लिया करते रशिया से, ठीक है। और अगर चाइना की बात करें तो भैया हम 24% पूरा डिपेंडेंट थे बेटा, ठीक है, मतलब जितना हम एक तरीके से इंपोर्ट कराते थे कंट्री से, उसमें से 24% तो हम फर्टिलाइजर सिर्फ चाइना से लेते थे और 6% सिर्फ हम रशिया से लेते थे। बट अब जो रिसेंट आंकड़े आए हैं अभी हमें देखने को मिला है कि भैया हमें हाई एक तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिला है, यहाँ पे परसेंटेज लगभग 371% हमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है हमें फर्टिलाइजर इंपोर्ट का फ्रॉम रशिया। मतलब देखोगे बहुत बड़ी बात है, ठीक है, मतलब इससे ये चीज तो समझ आ रहा है कि अब हम अपना जो पार्टी है, मतलब जो हमें जो बेनिफिट हमें दे रहा है, हम उसी के पास यहाँ पे जाएंगे। सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास, जहां फायदा वहां धंधा, सीधी बात, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पे बात करें, इंडिया यहाँ पे बोल रहा है कि भैया वी आर वेरी मच, हम इतने बड़े एग्रीकल्चर स्टेट है बट फिर भी हम फर्टिलाइजर के मामले में डिपेंडेंट है चाइना पे, अब तो रशिया पे आपके हो गए। इंडिया की यहाँ पे एक तरीके से एक पहल है कि भैया 2024 तक हमें एक तरीके से मेजर इंपोर्टर हमें एक तरीके से जो अभी हम यूरिया का देख रहे हो, एक तरीके से हम यहाँ पे एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। मतलब कि एक तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट माल को नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर वगैरह को, यूरिया को नहीं करेंगे, हम अब क्या करेंगे, सेल्फ सफिशियंट बनेंगे। देखते इसमें हमें क्या यहाँ पे एक तरीके से अप्रोच हमें देखने को मिलता है। और रशिया और आपका बेलारूस तो आपके फर्टिलाइजर के मामले में आपके मेजर एक्सपोर्टर तो है ही है। तो बेटा इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बात थी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। हाउ इज द जोश गाइस, मुझे बताओ, सीधी बात, नो बकवास, मुझे बताओ जोश है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। सेशन को जल्दी से लाइक करो, जल्दी से जल्दी लाइक करो, फिर बाद में यहाँ पे आओ। और भैया आपका मंथली करंट अफेयर हो रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको डिस्कस करेंगे, यार कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि भैया स्पोर्ट्स की रिगार्डिंग बात है, 15वां आपका एशियन एयरगन चैंपियनशिप आपको देखने को मिलता, आपको कहां पे देखने को मिलता है, आपको साउथ कोरिया के आपको दाइगू शहर में आपको देखने को मिलता है। और यहां पे बात करोगे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भैया यहां पे हमने 25 गोल्ड मेडल जीते, भैया भैया बधाई दो इन लोग को, क्या आपके महान यहाँ पे लोग है, ठीक है। आइए इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो मनु भाकर, समरथ राणा, और यहाँ पे अगर देखोगे आपके जो दो लोग हैं 10 मीटर जूनियर आपके एयर पिस्टल में, इन्होंने यहाँ पे देखोगे आपका बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने काम किया, मेडल यहाँ पे जीता है। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे उज्बेकिस्तान के जो निगीना आपके हो गए, और आपका जो यहाँ पे मुकमंद कमालो, ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है बट यहाँ पे प्रोनाउंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये इनके उज्बेकिस्तान के शूटर्स को यहाँ पे हराते हुए यहाँ पे इन्होंने बेटा मेडल जीता, बहुत बड़ी बात है, पर जूनियर लेवल का, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सीनियर लेवल पे आते, संगवान और आपके विजयवर सिद्धू जी, ठीक है, ये इन्होंने भैया मेडल जीता है, सीनियर लेवल पे भी जीता, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने यहाँ पे उन्होंने तो उज्बेकिस्तान के शूटर्स को यहाँ पे हराया था, इन्होंने यहाँ पे कजाकिस्तान के वालों को हरा दिया है, इनका नाम है रखमिजान एंड इरेना यूमेथोवा, ठीक है, इनको यहाँ पे हराते हुए भैया इन्होंने यहाँ पे मेडल जीता, ठीक है। तो जूनियर से भी काम अच्छा किया है, जैसे भाकर जी आपके हो गए, उन्होंने यहाँ पे उज्बेकिस्तान को यहाँ पे टीम को हरा दिया है, और यहाँ पे जो सीनियर वाले थे इन्होंने यहाँ पे क्या बेटा कजाकिस्तान वालों को यहाँ पे हरा दिया है, मतलब सेंट्रल एशिया की बैंड हमने बजा दी है, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, ठीक है। टोटल कितने जीते बेटा आपके, 25 गोल्ड मेडल जीते हैं, 15वां आपका एशियन आपका एयरगेन आपका यहाँ पे चैंपियनशिप आपको देखने को मिला है, कहाँ पे दाइगू आपका यहाँ पे आपको कहाँ पे बेटा कोरिया में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है भैया, जो भी वुमेन है उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है, पहली आपकी महिला अध्यक्ष आपको देखने को मिलती है कहां पे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, क्या बात है क्या बात है। कौन है वो है हमारी उड़न परी जिसका नाम है पीटी उषा। तो पीटी उषा जी आपकी भारत के पूरे इतिहास की पहली आपकी महिला, आप देख सकते हो आपकी अध्यक्ष बनी आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, बहुत ही आसानी से आपकी जीत, कोई खास कॉम्पिटिशन देखने को मिला नहीं और कोई हमें डिस्प्यूट भी देखने को मिला नहीं। और इसके तहत आप देख सकते हो यहाँ आपका 10 दिसंबर को, कब बेटा 10 दिसंबर को आपके पूरा यहाँ पे ओहदा पूरा यहाँ पे स्टार्ट अपना करेगी उड़न परी हमारी है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आइए इनका थोड़ा करियर यहाँ पे देख लेते हैं, 11 मेडल उन्हें एशियन गेम्स में जीते हैं, और एशियन चैंपियनशिप में देखोगे 23 मेडल जीते भैया, बहुत बड़ी बात है, 18 गोल्ड मेडल पूरे करियर में जीते हैं भाई साहब, कहां आप हो, ठीक है,
उड़नपरी ऐसे नहीं बोले जाते, इनको बहुत बड़ा योगदान है इनका, ठीक है। कैरल मिंट का जन्म हुआ था कोझिकोड़े में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे अगर हम ओलंपिक की बात करें बेटा, तो एशियन गेम्स की बात की हमने, कितने मेडल जीते उन्होंने 1984 के ओलंपिक में देखोगे तो यहाँ पे इनको फोर्थ पोजिशन मिल गया था इनको फाइनल में, आपको पता होना चाहिए 400 मीटर के हर्डल में। 400 मीटर का हर्डल अगर आपको समझना कितना होता है, मतलब एक पूरा ग्राउंड का चक्कर मान लो, ठीक है ना, ये आपको 400 मीटर आपका होता है, मुझे पता है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करोगे तो इन्होंने अगर हम एशियन गेम्स की बात करें कितने मेडल जीते वो तो ठीक है, गोल्ड कितने जीते, इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हुए एशियन गेम्स में, आपको पता होना चाहिए, और 14 गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते बेटा एशियन चैंपियनशिप में, ये आपको इनके स्वर्ण पदक आपको पता होना चाहिए। और ये तो आपके प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, अगर आपसे पूछे वाइस प्रेसिडेंट कौन अभी आपके बने, तो वह आपके कौन बेटा, अजय पटेल जी आपके बने हैं, ये भी आपके एक तरीके से बड़े आसानी से आपके बने गए थे, कोई कॉम्पिटिशन को देखना नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भैया ये बंदा है कि क्या है, ये बंदा है कि क्या है, मैं क्या बोलूं इसको भाई, इसने तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ही बना दिया भैया इस सीजन में, 2022 के सीजन में, मैं तो परेशान हो गया हूं क्या बोलूं यार, ठीक है। मैक्स वर्स्टापन भैया पता होना चाहिए, ये आपके फॉर्मुला 1 के रेसर है, ये आपके इस सीजन के आपके विनर बन गए, आपके चैंपियन आपके बन गए फॉर्मुला 1 के। हाल ही में आपको जो लास्ट इस सीजन का जो आपको ग्रैंड प्रिक्स आपको देखने को मिलता है आपको अबू धाबी में, कहां पे, अबू धाबी में, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा आपके ये आपके जीत गए, इसको भी ये जीत गए, इस प्रिक्स को भी आपके जीत गए, किसके तरफ से खेलते हुए टैग किया आपको भैया रेड बुल, एंड रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए आपके जीत गए, और इसी के साथ अबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया इन्होंने, बहुत बड़ी बात है। बट ही वन हिज फर्स्ट फॉर्मुला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2021, पहले तो 2021 में जीता था, अब इस एंड में सीजन में देखोगे 2022 में आपके ये वर्ल्ड आपके चैंपियन बन गए फॉर्मुला 1 के। भैया एक एक सीजन में 15 टाइटल जीते भाई साहब, अबू धाबी का ग्रैंड प्रिक्स मिला के टोटल 15 इन्होंने जीते हुए, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से रिकॉर्ड बनाया, एक सीजन में 15 किसी ने भी नहीं जीते आपके टाइटल ग्रैंड प्रिक्स के, बहुत बड़ी बात है। अब देखोगे यहाँ पे इनका इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है, इन्होंने माइकल शुमाकर जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। माइकल शुमाकर जी ने 2004 के सीजन में इन्होंने 13 बार इन्होंने टाइटल जीता था, 15वां आपका मैक्स वर्स्टापन ने जीता है, और आपका जो सेबेस्टियन वेटल इन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया है, इन्होंने भी आपका 2013 के सीजन में इन्होंने बहुत आपका यहाँ पे टाइटल आपका जीता था, ठीक है। बट भैया मैक्स वर्स्टापन ने सबको यहाँ पे पछाड़ते भैया इन अ सिंगल सीजन 15 टाइटल 15 ग्रैंड प्रिक्स, बाकी लोग तो परेशान हो गए होंगे यार भैया यही सब जीत रहा है, सब इसी को ही दे दो, ठीक है ना। बहुत यंगेस्ट आपके खिलाड़ी, आपको पता होना चाहिए कहां के बेटा, ये बेटा आपके होलैंड के है, नीदरलैंड आप आज के टाइम इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारी खबर यहाँ पे देखोगे, चलो फॉर्मुला 1 की बात थोड़ी बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मुला 1 आपका एक ऐसा फेडरेशन है इंटरनेशनल लेवल का ऑटोमोबाइल्स का आपका है, जो एकदम मोटर कार रेसेस को यहाँ पे एक तरह से ऑर्गेनाइज करता है, ग्रैंड प्रिक्स आपको कराता है F1 वगैरह का फॉर्मुला 1 का। और यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ा आपका जो वर्ल्ड चैंपियन आपको देखने को मिलता है इतिहास में, जैसे हमारे क्रिकेट में देखोगे आपको तो सचिन तेंदुलकर देखने को मिलते हैं, आपको बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन देखने को मिलते हैं, वैसे आपको माइकल शुमाकर आपको यहाँ पे F1 रेसिंग में आपको बेटा देखने को मिलेंगे, और आपको लुइस हैमिल्टन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इनके रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे खबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया आपको पता होना चाहिए, कार्लोस अल्काराज भैया ये आपके बन गए हैं यंगेस्ट आपके प्लेयर, किसमें, आपके एसोसिएशन ऑफ टेनिस आपका जो है प्रोफेशनल का। देखो आपके जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम्स आपके देखने को मिलते हैं वो आपको अलग अलग कंट्री आपकी रिप्रेजेंट करती है ना, आपको पता होगा ये ATP आपका होता है ना बेटा, ये हर कोई नहीं खेलता है, ATP वाला जो इवेंट होता है ना सिर्फ वही लोग खेलते भैया जो वर्ल्ड चैंपियंस है, ठीक है, बाकी लोग को यहाँ पे कोई अलाउमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें से देखोगे आपके जो कार्लोस अल्काराज जो आपके है, ही बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर ऑफ द ATP जो आपके यहाँ पे जीते हैं भैया, ये तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आपके बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 1 आपके बन गए एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि इनसे पहले जो जिसने रिकॉर्ड ये बनाया था एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल आपके इवेंट में, जिससे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड बना था यंगेस्ट का, उनका नाम था यहाँ पे लाइचन हेवर्ट जो आपके ऑस्ट्रेलिया के थे, इनका यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बेटा भैया आपके इतने कम उम्र के यार, बहुत ही कम उम्र के, ठीक है, 17-18 के ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है, इन्होंने बेटा यहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड आपका बना दिया है, ठीक है। एंड दिस ईयर ही बिकेम द यंगेस्ट मेल प्लेयर टू विन द US ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल, US ओपन भी जीता है, मुझे बताओ यार बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मजेदार आपकी बात है। और ये आपको पता होना चाहिए US ओपन इन्होंने भी आपका जीता, यंगेस्ट आपके थे, किसका रिकॉर्ड तोड़ा US ओपन में, पेटे सैंपरस का इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और भैया याद रखना टेनिस की दुनिया में बिग फोर किसको बोला जाता है, नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर, एंडी मुरे और राफेल नडाल, ठीक है, ये चार आपके बिग फोर है भैया, इनको भी यहाँ पे पछाड़ते हुए या फिर एक मैं कह सकता हूँ इनके बगल में जगह बनाते हुए मुझे लग रहा है बिग फाइव यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिलेगा, जिनका नाम है कार्लोस अल्काराज, ठीक है, कहाँ के भैया है मुझे बताओ, कहाँ के कार्लोस अल्काराज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते भैया आपका एक तरीके से इंटरनेशनल आपकी न्यूज की बात है,
कासिम जोमार्त जी वापस से आपकी रीइलेक्ट हो गए एज ए कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही सुना है। देखो ये आपका जो कजाकिस्तान, आपका सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा कंट्री आपका, ठीक है, आपका नाइन्थ बिगेस्ट आपकी कंट्री है रिगार्डिंग आपका एरिया, यहाँ पे इलेक्शन आपको देखने को मिलता है 20 नवंबर 2022 को। कजाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन, आपको याद रहा, कजाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है ये आपका एक तरीके से डिक्लेयर करता है रिजल्ट और बोलता भैया जो आपका जो कासिम जोमार्त आपके तोकेव है, ठीक है, ये बन गए भैया आपके कजाकिस्तान के आपके राष्ट्रपति। बिल्कुल आपने सही सुना है, नूर सुल्तान के रेजिग्नेशन के बाद आपको ये देखने को मिलेंगे, आपको ये जो बंदा है ये आपका बन गया है, आपका क्या आपका राष्ट्रपति बन गया कजाकिस्तान का। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बात यह है कि कजाकिस्तान का पूरा संविधान पूरा बदला गया है यहाँ पे। देखो ध्यान से सुनना, कजाकिस्तान का जो संविधान है अभी हाल ही में इसी साल आपका 6 सितंबर को आपका अमेंड कर दिया गया था, जिसके तहत जो भैया आपके राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है जो पहले 5 साल हुआ करता था इसको 7 साल कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक तरीके से ये बोला गया अमेंडमेंट करके कि भैया कजाकिस्तान में अगर कोई राष्ट्रपति बनेगा तो वो सिर्फ एक बार बनेगा, वो रीइलेक्ट नहीं होगा। अब आप बोलोगे भैया सर पर ये कजाम जुमार तो ये आपके पहले भी बन चुके, ये वापस अभी रीइलेक्ट हो गए, ये कैसे हो गया? भैया इनके संविधान के हिसाब से जो भी चीज इस संविधान से पहले जो चीज हो चुकी है उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, एक नया यहाँ पे एक तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी खबर है। और ये आपका रिगार्डिंग इंटरनेशनल न्यूज, आपसे बड़ी सारी चीजें बेटा पूछी जा सकती है। याद रखना कजाकिस्तान के नए आपके प्रेसिडेंट कौन है, कासिम जोमार्त आपके इनका नाम है। आइए बेटा थोड़ा कजाकिस्तान के बारे में बात तो कर ले, कजाकिस्तान देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये है आपका पूरा का पूरा आपका यहाँ पे सेंट्रल एशिया का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। आपको उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कई आपको यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्री देखने को मिलेगा, बट मेन आपका कजाकिस्तान है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल अस्थाना। करेंसी यहाँ पे टेंगे चलता है, टेंगा यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठेंगा की बात नहीं हो रही, टेंगे की बात हो रही है। इट इज द करेंसी ऑफ आपका कजाकिस्तान, ठीक है। आपका यूएसएसआर से अलग कब हुआ था? 1991 16 दिसंबर में डिसइंटीग्रेट हो गया था, हो गया तो क्या कर सकते, बट आपका हो गया था। एंड इट इज द लार्जेस्ट, नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन आपका पूरा वर्ल्ड भैया, सेंट्रल एशिया का कंट्री है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं मलेशिया के आपके नए आपको प्रधानमंत्री देखने को, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल आपको चीज आपको देखने को मिला है कि अनवर इब्राहिम जी आपके मलेशिया के आपके न्यू आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, या आपके मलेशियन अपोजिशन आपके एक तरीके से लीडर है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट एक चीज याद रखना, ये आपका जो इसका जो रिजल्ट आया था ना, बड़ा एक तरीके से कॉन्ट्रोडिक्टरी था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन जीता क्या नहीं जीता, क्योंकि कोई मेजोरिटी अपने साबित नहीं कर पाया था कोई भी पार्टी अपनी, ठीक है। अब यहां पे देखने को मिलेगा ये जो इलेक्शन आपका एक तरह से डेडलॉक सिचुएशन में पहुंच गया था। डेडलॉक का मतलब कि कोई भी एक पार्टी आपका मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई थी, जो अनवर इब्राहिम की भी जो पार्टी है वो भी यहाँ पे नहीं कर पाई थी। बहरहाल जैसे जैसे करके देखोगे इनको यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है बाय द किंग सुल्तान अब्दुल्ला, ठीक है। तो आपको बता वहां पे आपके जो किंग आपके होते हैं आपके यहाँ पे मलेशिया में भी, तो वहां के जो राजा है जिनका नाम है सुल्तान अब्दुल्ला, उन्होंने यहाँ पे इनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट दे दी आफ्टर सो मच ऑफ डेडलॉक, जैसे जैसे करके इनको यहाँ पे बना दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल आपके पूरा चीज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अनवर जी आपके तरीके से देखोगे, ये यहाँ पे अगर देखोगे ना तो ये खुद मेजोरिटी साबित कर पाए, ना ही जो इससे पहले जो इनके जो इनसे पहले जो आपके बने हुए थे मुहिद्दीन यासीन जी, ये भी नहीं कर पाए, कोई भी आपको मेजोरिटी साबित ही नहीं कर पा रहा था सरकार बनाने के लिए, कोई आपको साबित ही नहीं कर पा रहा था, इतनी सारी सीट्स आपको गैदर ही नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये अनवर जी की जो आपकी जो पकड़न हरप्पन पार्टी है, पक्कटन हरप्पन जो अनवर जी की पार्टी है, जैसे तैसे करके भी इनको बिगेस्ट शेयर अगर देखा जाए इलेक्शन में, आप देखो कि इनको यहाँ पे जीता अच्छा खासा था, मेजोरिटी देखोगे अच्छा सीट इनको मिला था, बस सरकार बनाने योग्य उतनी सीट इनको नहीं मिली थी। बट फिर भी यहाँ पे देख सकते हो, हमें यहाँ पे आप देख सकते हो इनको यहाँ पे हाली करके प्रधानमंत्री बाद में बना दिया गया, ठीक है ना। अब मलेशिया की बात करेंगे, बड़ा खूबसूरत आपका यहाँ पे कंट्री है भाई, आपको पता होना चाहिए किम जोंग उन, अरे किम जोंग उन भैया आ गए आप, अरे वाह क्या बात है, किम जोंग उन धमाका तो नहीं करोगे क्या? धमाका तुमने भैया, धमाका मैं करूंगा आज के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो मलेशिया आपका मैप देख सकते हो, आपका जो येलो वाला पार्ट है यहाँ पे देख सकते हो, मलेशिया वाला आपका पूरा पार्ट है। कुआलालंपुर इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलय पेनिनसुला और आपको बोर्नियो के आइलैंड में आपको बसा हुआ आपको एक कंट्री आपको देखने को मिले, बोर्नियो का आइलैंड आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको टोपोग्राफी आपके ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कौन बने आपको पता है, अनवर इब्राहिम जी, कैपिटल इसका कुआलालंपुर है, ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा यहाँ पे क्या है बेटा मलय, और करेंसी यहाँ पे क्या है रिंगगिट है, क्या है बेटा रिंगगिट आपको देखने को मिलता है। ये आपकी खबर, कतर और आपका जो चाइना भाई ऐतिहासिक यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से गैस सप्लाई अगर आप देखोगे इन्होंने डील यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने साइन किया है, बहुत बड़ी बात है आपका कतर एनर्जी। और आप यहाँ पे देखोगे आपका जो
चाइना की कंपनी है, इनके बीच में आपको डील आपको देखने को मिले रिगार्डिंग आपका गैस सप्लाई, ठीक है ना। तो 27 साल का नेचुरल गैस आपको सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत बड़ी बात है। और ये बोला जा रहा है कतर वालों के द्वारा कि दिस इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील। भैया मुझे बताओ, इतनी बड़ी बात है, गैस सप्लाई का डील हो रहा है, 27 साल का आपका है, चाइना ने यहाँ पे बाजी मार ली, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे ये कौन सा गैस की यहाँ पे बात हो रही है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। आपने एलपीजी सुना होगा, आपने नेचुरल गैस सुना होगा। अभी आपका एलजी एलएनजी क्या होता है, एलएनजी बहुत ही सिंपल भाषा में देखो, आपका जो नेचुरल गैस होता है उसको यहाँ पे एक तरीके से सुपर कूल करके, ठंडा करके, लगभग -162 डिग्री में इसको लाया जाता है, गैस को लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, क्योंकि इसको ना बेटा ट्रांसपोर्ट करने में आसानी होती है, ठीक है ना। वाया गैस करोगे दिक्कत हमें सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको देखो ना, ये आपका लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील आपका, ठीक है, कतर से चाइना के बीच आपका जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपका एलएनजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर इजी मेथड, एलएनजी में आपका एक तरीके से आपको देखने को मिलता है। वैसे हम कई चीजें का कुकिंग गैस आपका इसमें यूज होता है, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन में एलएनजी यूज होता है, इसका यूज होता ही होता है, ठीक है। तो इसकी रिगार्डिंग आपको डील देखने को मिलेगी बिटवीन कतर एनर्जी, याद रखना कतर एनर्जी के बीच हुआ है, और आपका सिनोपैक जिसको यहाँ पे चाइना पेट्रोलियम और आपका केमिकल कॉर्पोरेशन है, इनके बीच में आपको डील देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, याद रखना कतर आपका जो है, खासकर आपको कतर गैस की अगर बात करें, चाइना जापान साउथ कोरिया इसका मार्केट है, और कतर ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा भैया इनसे मैं पंगे लूं, इनके साथ वो काम करेगा ही करेगा, ठीक है। जो भी इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखोगे भैया इनका टारगेट है कि 2027 तक हमें बेटा 126 मिलियन टन का हमें क्या करना है बेटा, प्रोडक्शन हमें करना है बेटा, हमें एलएनजी का करना है। और यहाँ पे हमें ईस्ट जो हमारी जो एशिया कंट्री है वहां पे हमें क्या करना है बेटा, सप्लाई करना है, खासकर चाइना में यहाँ पे इन्होंने ध्यान दिया, वो देखते भी आगे क्या करते हैं। बट मैं ये उम्मीद रखू इंडिया में एक तरीके इंडिया को भी ये सब चीजें करनी चाहिए बेटा, क्योंकि चाइना हर चीज में बाजी मार रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, हमें भी एक तरीके से अपने फायदे के लिए हमें काम करना ही चाहिए, ठीक है। ब्राजील में हमें देखने को मिलता है नए हमें राष्ट्रपति, आपके यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपके जो जेयर बोल्सोनारो, जो हमारे 2020 में आपके जो एक तरीके से हमारे गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे में, इनको यहाँ पे हराते हुए जो लेफ्टिस्ट लीडर आपके जो लुला डिसिल्वा आपके वर्कर्स पार्टी के, ये आपके बन गए 39th आपके प्रेसिडेंट आपके बन गए, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बेटा अगर बात करोगे, ये ऑलरेडी आपके दो टर्म के लिए आपके ब्राजील के आपके बन गए 2002 के, और 2010 में तो आपके यहाँ पे राष्ट्रपति आपको यहाँ पे देखने को मिलते, वापस से बन गए हैं भैया। यहाँ पे भी वही सिचुएशन हुआ था जो आपको देखने को मिलता आपको मलेशिया में, कोई यहाँ पे मेजोरिटी साबित नहीं कर रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, डेडलॉक सिचुएशन। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट रन ऑफ आपका एक तरीके से ब्राजील का जो संविधान है, एक वहां पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे दोनों को बराबरी वोट मिल रहा है, कोई नतीजा नहीं आ रहा है, फिर से इलेक्शन करा दो, री इलेक्शन करा दो, जल्दी से कराओ, ठीक है। उसमें अगर आप देखोगे फिर इनको यहाँ पे 50.9% वोट आपको यहाँ पे इनको लुला डी सिल्वा को यहाँ पे दिए गए हैं, और भी आपके जो जेयर बोल्सोनारो जो आपके अभी तक आपके राष्ट्रपति बने थे, अनफॉर्चुनेटली बड़े करीब आपके मार्जिन से आपके हार गए हैं। ब्राजील की बात करें, बड़ा ही खूबसूरत आपका यहाँ पे देश आपको पता होना चाहिए, ये आप एक साउथ अमेरिकन आपकी कंट्री है, कई सारे इसके नेबरिंग कंट्री आप इसे देख सकते हो, आपका एक सकते हो आपका अर्जेंटीना है, उरुग्वे है आपका, पेरुग्वे, बोलिविया, पेरू आपका, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और भी सब कंट्री देखने को मिलेंगे। बट हमारे बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया चिली आपका हो गया और आपका इक्वेडोर, ये इसके साथ बॉर्डर आपका शेयर नहीं करता है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। घाना की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपका पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भैया घाना अभी नवंबर में अध्यक्षता आपको कर रहा था, एक आपको वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। आपका जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें तो आपको पता ना, आपको यहाँ पे रोटेशन देखने को मिलता है, आपको 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलते और 20 आपको टेम्परेरी देखने को मिलते, और ये टेम्परेरी आपको पता ना कि आपके रोटेशन में रहते हैं, आपके इनको अपॉइंट किया जाता है फिर निकाला जाता है, फिर अपॉइंट किया जाता है महीने के हिसाब से भी निकाला जाता है। घाना को किया गया था इनको वापस रिटर्न करके इनको एक तरीके से यहाँ पे अध्यक्ष इनको बनाया गया, ठीक है। बात करते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए कि यूएनएससी में अगर बात करें नवंबर के महीने में घाना एक तरीके से सुपरवाइज करेगा, घाना इसको पूरा अध्यक्ष पूरा करेगा, और यहाँ पे एक ही मुद्दे की बात करेगा भैया हमें अफ्रीका, खासकर आपके मामले में देखा जाए, एडॉप्शन डिबेट्स और कंसल्टेशन रिगार्डिंग द इशू ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका में क्लाइमेटिकल सिचुएशन, पीस कैसा बना के रखे, सिक्योरिटी इशू जो भी है आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अफ्रीका के नेशंस में कैसे किया जाए, इसका पूरा आपका जो आपका मैटर आपको यूएनएससी में देखने को मिलेगा। और घाना आपका यहाँ पे नवंबर के महीने में पूरा अध्यक्षता आपका कर रहा था, ठीक है। अब बात करें घाना भैया यूएनएससी का मेंबर आपका 1 जनवरी 2022 में वापस रिजॉइन किया। आपको पता होना, देखो यूएनएससी में आपके टेम्पररी आपके मेंबर्स होते हैं, इंडिया हो गया, घाना, कई सारी कंट्री है जिसको लाया जाता है फिर निकाला जाता है फिर नए लोग को फिर यहाँ पे लाया जाता है। वैसे घाना के साथ हुआ, घाना को निकाला गया
फिर आपको देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2022 से वापस इनको यहाँ पे लाया गया, एंड दिस इज द थर्ड टाइम कि घाना यहाँ पे एक तरह से नॉन परमानेंट सीट में आपका बैठा हुआ है। तो बहुत एक तरह से इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है बेटा, घाना की बात है, घाना है घाना नहीं है, याद रखना ठीक है। अब यूएनएससी की बात करें, ये आपका यूनाइटेड नेशन का आपका एक किस्म से आपका ऑर्गन है, एक चार्टर के थ्रू आपको देखने को इनको यहाँ पे पावर इनको दिया गया है रिगार्डिंग भैया पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी पूरे विश्व भर में बना के रखना। 24 अक्टूबर 1945 में एस्टैब्लिशमेंट है। कौन कौन आपके यहाँ पे आपको टेम्पररी कंट्रीज आपको देखने को मिलती है जो रोटेशन में आपके निकलते और आपके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं? ब्राजील, इंडिया, अल्बानिया, गैबोन, घाना, जैसे अभी बात की हमने, आयरलैंड, कीनिया, मेक्सिको, नॉर्वे और आपका यूएई, ये सारे आपके टेम्पररी मेंबर्स हैं। और जो मेन आपका है दैट इज आपका फ्रांस, चाइना, यूके, रशिया और आपका यूएसए, ठीक है, ये आपके परमानेंट मेंबर है। और पांचों के पास भैया क्या है, भैया वीटो पावर है, एक भी अगर मना करेगा तो आपका यहाँ पे उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हमारे नरेंद्र मोदी जी के बड़े खास हमारे दोस्त है, ये वापस से आपके बन गए इसराइल के आपके प्रधानमंत्री, ठीक है भैया, लगभग 5 बार बने ये, 5 बार, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जी वापस से बन गए हैं और इन्होंने यहाँ पे देखोगे तो भैया यहाँ पे इस बंदे को हरा दिया, क्या नाम है, येर लेपिड्स को यहाँ पे एक तरीके से हरा दिया, बहुत बड़ी बात है। फुल मेजोरिटी के साथ है, क्लियर मेजोरिटी के साथ है, अलायंस के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी जो नेतन्याहू की बेटा जो राइट विंग पार्टी है जिसका नाम है लिक्विड पार्टी, ठीक है, इनके थ्रू आपके इलेक्शन लड़ते हैं। इन्होंने यहाँ पे 32 सीट यहाँ पे जीती थी, आउट ऑफ यहाँ पे देखोगे आपका 120 का आपका सीट आपका रहता, आपको पता होना चाहिए, 120 सीट में इन्होंने 32 सीट जीती थी। अब आप बोलोगे सर 32 सीट इन्होंने जीती तो कैसे आपके बन गए, बेटा इन्होंने अलायंस भी तो बनाया, ठीक है, मेजोरिटी इन्होंने अलायंस के थ्रू किया है और ये आपके सक्सेसफुल भी आपके रहे। अगर आपसे पूछा जाए भैया यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो तो आपका लोकसभा राज्यसभा है, इसराइल में क्या है आपका नेसेट है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते इसी के रिगार्डिंग कि भैया आपके देखोगे पांच बहुत ही आपका अमेजिंग है, पिछले 3 साल में हमें इसराइल में ना 5 बार हमें इलेक्शंस देखने को मिले, ठीक है। कभी आप देखोगे आपके नफ्ताली साहब आपके बनते हैं जो बीच में आपके यहाँ पे जो टकले आपके इंसान है, वैसे बोलेंगे नहीं भैया इसराइल का मामला, ठीक है, थोड़ा डर के रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे नफ्ताली जी भी आपके प्रधानमंत्री बने, फिर ये लेपिड जी आपके भी रिसेंटली आपको देखने को मिले आपके इसराइल के आपके प्रधानमंत्री, अब वापस आपको देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पे नफ्ताली जी भी आपको देखने को मिले, क्लियर मेजोरिटी के साथ आपको देखने को मिलो भाई। 15 साल का पूरा देखोगे पूरा इतिहास देखो, 5 बार तो नेतन्याहू जी आपके प्रधानमंत्री बने, तो यहाँ पे तो इनको पावर में रहने की शायद आदत ही पड़ गई होगी, ठीक है। इसराइल की यहाँ पे बात करें बेटा, कैपिटल इसका यरूशलेम है, अध्यक्ष यहाँ पे देखोगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट यहाँ पे देखोगे बेटा आपके आइजक हर्ज़ोग है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिब्रू आपको पता होना चाहिए, करेंसी यहाँ पे आपको शकील आपको देखने को मिले, क्या देखने को मिला, शकील आपको देखने को मिलेगा, छोटी सी कंट्री है, काम बड़े बड़े करती, ठीक है। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग भाई साहब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के नए अध्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं तैयब इकरम जी, ये आपके मकाऊ से भैया पूरा इनकी बिलोंगिंग है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एशियन हॉकी फेडरेशन के जो आपके सीईओ है, देखो ये एशियन हॉकी फेडरेशन के ऑलरेडी आपके सीईओ आपके रह चुके हैं मोहम्मद तैयब जी, ठीक है, ये आपके मकाऊ के हैं। अब इन्हीं को भैया यहाँ पे FIH का भैया यहाँ पे क्या बना दिया भैया यहाँ पे इनको एक तरह अध्यक्ष यहाँ पे दे दिया, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने यहाँ पे किसको रिप्लेस किया भैया, इंडिया का ही बंदा है यार, इसका नाम है आपका नरेंद्र बत्रा जी, ठीक है। तो नरेंद्र बत्रा जी पहले आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के आपके यहाँ पे एक अध्यक्ष थे, इनको यहाँ पे रिप्लेस करते हुए भैया यहाँ पे आपके तैयब इकरम जी आपके बन गए, जो आपके कहाँ के बेटा मकाऊ के आपको देखने को मिले हैं। FIH के बारे में डिटेल में यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो भैया आपको पेरिस में आपका पूरा फाउंड हुआ था, आपका पता होना चाहिए फ्रांस में, और इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछे देखो FIH का जो हेडक्वार्टर आपको लुसेन में देखने को मिलेगा भैया, भूलना नहीं, ये आपके जो हेडक्वार्टर वगैरह ना ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे भैया G7 की जो मीटिंग है फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल की, आपको यहाँ पे देखने को मिलती है जर्मनी में, G7 की मीटिंग देखने को मिलती है जर्मनी में, किसकी, फॉरेन मिनिस्टर की स्पेसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका जर्मनी का जो आपका शहर है इसका नाम है मुइंस्टर, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 4 और 5 नवंबर को यहाँ पे G7 की आपकी मीटिंग होती है रिगार्डिंग आपका फॉरेन, आपके जो मिनिस्टर यहाँ पे आए थे अलग अलग कंट्री से आए थे आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी बेटा, आपका यहाँ पे एनालिना आपकी जो बैरबोक है ये इसकी पूरी अध्यक्षता यहाँ पे कर रही थी, पूरे फॉरेन मिनिस्टर की G7 की मीटिंग कर रही थी। कौन कौन यहाँ पे आए थे फॉरेन मिनिस्टर, कौन कौन कंट्रीज से आए थे आपको पता होना चाहिए, US, फ्रांस, यूके, जापान, इटली और आपको कनाडा और जर्मनी, अगर आप देखोगे आपका यहाँ पे प्रेसिडेंसी आपका पूरा G7 ग्रुप का आपका कर रहा है, अच्छी यहाँ पे बात है। और यहाँ पे अगर बात करोगे मुद्दा आपका क्या था और किसको यहाँ पे इनविटेशन के तौर पे बुलाया था, तो घाना, केनिया और अफ्रीकन यूनियन, इनको यहाँ पे इनवाइट किया था यहाँ पे G7 फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग में, इनकी भी कई मुद्दों को यहाँ पे एक तरह सुना गया था। मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ, क्लाइमेट चेंज के बारे में ऑब्वियस की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी कैसे हमें बढ़ाना है,
और जो भी आपकी चीजें सारे के सारे देखोगे बेटा, आपके ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर की बात हुई, यूक्रेन को से हमें हेल्प करना है, सारे मुद्दों पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे मुद्दा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे G7 की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट आपकी जो एडवांस आपकी इकोनॉमीज है वो आपके इसके मेंबर देखने को मिलेंगे। कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ये सारे G7 के आपके मेंबर है। पहले आपका G8 हुआ करता था, आपको तो पता ही होगा, बट आपका जब रशिया ने 2014 में जब एक तरह से इन्वेजन आपका किया था आपका क्रीमिया में, फिर इसको यहाँ पे हटा दिया गया था, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बट ये आपका जो मेंबर आपको बना था रशिया आपका 1998 में G7 का आपका मेंबर बना था, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। आसियान ग्रुप की बात करें गाइस, बहुत बड़ी बात है, अभी तक आपको आसियान में आपको मेंबर्स देखने को मिलते हैं, अब लगभग आपको 20 साल बाद आपको आसियान में एक नया मेंबर आपको देखने को मिल रहा है, जिसका नाम आप देखोगे बहुत छोटी सी आपकी कंट्री है, जिसका नाम है तिमोर लिस्ते, इसको पहले ईस्ट तिमोर के नाम से भी बोला जाता था। ये आसियान का नया आपका मेंबर आपका बन गया है। फुल फॉर्म इसका क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इन्होंने अग्री कर लिया है कि भैया हम यहाँ पे अपना 11वां मेंबर हम यहाँ पे तिमोर लिस्ते को यहाँ पे बनाना चाहते हैं। कहाँ पे मीटिंग हुई थी आपकी आसियान की? याद रखना कंबोडिया का कैपिटल फ्नोम पेन में आपको 11 नवंबर 2022 को आपको देखने को मिलती है मीटिंग, और इसी में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आसियान के मेंबर ने कि भैया तिमोर लिस्ते विल बी अवर 11th मेंबर ऑफ द आसियान। अच्छी यहाँ पे बात है, और लोग को भी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया जा रहा है कंट्री में, ठीक है ना। अब यहाँ पे तिमोर लिस्ते ने भैया देखोगे आपका आसियान में 2011 से डाला था, देख रहे हो, आसियान में 2011 में डाला था भैया हमें यहाँ पे मेंबरशिप चाहिए, लगभग आपका 10 साल हो गए भैया, 10 साल बाद अब इनको यहाँ पे एक तरह से अप्रूवल यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे देखोगे अब ये इनको मेंबर तो बनाया है आपका तिमोर लेस्ते को, बट अभी इनिशियल फेज में होगा, फिर इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाएगा, फिर इनको हाई लेवल मीटिंग में ले जाया जाएगा, फिर इनको बाद में फुल मेंबर तरीके से इनको बनाया जाएगा आसियान ग्रुप का, ठीक है। इट विल टेक टाइम, ऐसी नहीं बनाया जाएगा, कुछ प्रोसीजर्स इसके बेटा होते ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा देखोगे कि भैया आपका जो आखिरी जो आपको मेंबर देखने को मिलता है आसियान का 10वां मेंबर, वो था आपका कंबोडिया। क्या था वो कंबोडिया? 1999 से लेके अभी तक कोई भी हमें नया मेंबर आसियान का देखने को नहीं मिला है, बट इस साल आपको तिमोर लिस्ते एज अ कंट्री आपको देखने को मिलेगा, द 11th मेंबर ऑफ द आसियान। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे गाइस बात करो तिमोर लिस्ते, छोटी सी आपकी कंट्री, आपको देखेगा भी नहीं, यहाँ पे देख सकते हो बहुत छोटी सी कंट्री इंडोनेशिया की, थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये आपका बड़ा ही मरीन कोरल आपको रीफ्स के लिए आपके लिए जाना जाता है। फिर यहाँ पे 1975 तक देखोगे आपका पुर्तगाल का पूरा यहाँ पे शासन हुआ करता था, फिर बाद में इंडोनेशिया यहाँ पे एक तरीके से था, फिर बाद में आपके इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिलता है, आपको ईस्ट तिमोर देखने को मिलता है, और ये आपका एशिया का सबसे यंगेस्ट आपको कंट्री आपको देखने को भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल इसकी दिल्ली है, करेंसी इसका डॉलर है, और प्रेजिडेंट इसके यहाँ पे कौन है? जोसे रमोस होर्ता जी, ठीक है। आसियान के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल मैंने बताया है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो क्या इसमें है 10 मेंबर, और आपका यहाँ पे तिमोर लिस्ट आपका है पूरा, यहाँ पे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सारे सिंगापुर, थाईलैंड आपको वियतनाम इसके एक तरीके से इसके मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में आपको पता होना चाहिए, 1967 में आपको बैंकॉक में इसको एक तरीके से आपको इसका फंडामेंटल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, और ये है हमारी आखिरी खबर, क्या है? ICC के हमें नए चेयरमैन हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या नाम है इनका? ग्रेग बार्कले, ठीक है, इनका नाम है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के आपके, ये आपके इनका पूरा बिलोंगिंग है, ये वापस से ICC के आपके बन गए हैं चेयरमैन, आपके बन गए हैं भैया, मिठाइयां बांटो, क्यों बांटो, वैसे इंडियन तो है नहीं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे देखोगे इनको वापस से अगले 2 टर्म के लिए इनको ICC का चेयरमैन इनको बना दिया गया है। यहाँ पे इनके कॉम्पिटिशन में कौन था आपको पता होना चाहिए, जिम्बाब्वे क्रिकेट के जो आपके चेयरमैन आपके जिनका नाम है तावेंगुआ मुखलानी, ये आपके इनके कंपटीशन में थे, बड़े बाद में विड्रॉ कर लिया, तो बड़े यूनानिमस तरीके से आपके जो क्रैग बार्कले जी है ये ICC के चेयरमैन वापस से आपके बन गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये आपके 2020 में आपके बने थे, 2020 से 2022 में पूरा इनका टेन्यूरा, अब 2022 से वापस इनको 2 टर्म का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि फॉर रिगार्डिंग आपका ICC में कुछ आपको अगर इन्होंने अच्छा काम किया होगा तो वापस इनको बनाए, कुछ तो रीजन होगा ही होगा, ऐसे तो नहीं आपका होगा। तो ये आपके न्यूजीलैंड में देखोगे आपका आपका इनका पूरा इनका पूरा सिस्टम इनका है, वहां के रहने वाले है, कमर्शियल लॉयर है, और ये आप देखोगे ये आपके न्यूजीलैंड आपके क्रिकेट आपके उसमें भी आपके देखोगे आपके डायरेक्टर आपके रह चुके हैं, ठीक है। एंड ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ द ICC मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का वर्ल्ड कप याद है कि नहीं, यहाँ पे डायरेक्टर पे उसका न्यूजीलैंड का वजह नहीं, उसको थोड़ा इग्नोर करना। 2015 में जो हमारा जो ICC का मैन वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये सेमीफाइनल तक गए थे बट हार गए थे, बहुत सेमीफाइनल तक लगातार जीत रहे थे हम लोग, याद है कि नहीं? याद है, बट हार गए ऑस्ट्रेलिया से। तो वहां पे आपके ICC के आपके डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे इनका पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको डिटेल में आपको बता दिया है गाइस। तो जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर थी मैंने आपको आज के सेशन में नवंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट खबर थी डिटेल में डिस्कस कर लिया है,
और यहाँ पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस में। अगर आपको ऐसी अमेजिंग लेक्चर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको SSB का एग्जाम्स में जाना है, वेबसाइट में जाओ, ऐसी अमेजिंग लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, डिटेल्ड लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। और आप FKAT, CDS, ND किसी की भी तैयारी करो, बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में बेटा आपको देखने को मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट कि भैया सारे के सारे आपको जो कोर्स बंडल्स के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, अपडेटेड लेक्चर, आपके डाउट सॉल्विंग पूरा यहाँ पे आपको असिस्टेंस सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल ऐसे कंसीडर करना ही चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट कि भैया डेली करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसका जो कंटेंट है आप यहाँ पे क्या करोगे भैया, आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट में जाके इसको एक तरीके से एक्सेस करना है। अब जो इंपॉर्टेंट राउंड है, आर यू गाइज रेडी, मुझे बताओ आर यू गाइज रेडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट होने वाला है, KBC राउंड यहाँ पे होगा। कौन बनेगा करोड़पति? नहीं, अरे नहीं, वो नहीं करना, हम ऑफिसर लोग हैं, पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए और देश के लिए हमें लड़ना है, ठीक है? आर यू गाइज रेडी? चलो भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन में ये रहा, डैश इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जल्दी फेंटा इसको लगा दो। मुझे जज्बे और जुनून वाले लोग पसंद है। देखो आपने देखा होगा, मैं एक तरीके से 8 के बाद आया हूं, ठीक है, लगभग 1.5 घंटा हो रहा है, मेरे आपको जज्बे जुनून में जरा भी कमी दिख रही है? आपको नहीं दिखेगी कभी भी, कभी रहना भी नहीं चाहिए, ऑफिसर्स लोग हैं हम लोग, ठीक है? बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? ये किम जोंग बोल रहा है मुझे दोनों चाहिए। अरे यार तू, यार किम जोंग, यार तू क्या है यार, है क्या बोलता रहता है। तो नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, ब्लू माउंटेन्स आपको बेटा देखने को मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, नीलगिरी में हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ BPCL भारत पेट्रोलियम, बताओ, फेंटा लगा दो इसको जल्दी से, जल्दी फेंटा लगा दो, जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, ऑफिसर्स क्या होगा, नए चेयरमैन कौन बने आपकी BPCL के, भारत पेट्रोलियम? किम जोंग उन, तुम्हें तो बताता हूं मैं, किम जोंग उन, बहुत तुम धमाका कर रहे हो आजकल, देख रहा हूं मैं न्यूज में, है बता दो तुम्हें अच्छे से। यहाँ पे देखो आपके वेत्स रामकृष्ण गुप्ता आपके BPCL के आपके नए आपको चेयरमैन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2022 कहां सेलिब्रेट आ रहे, बता चुका हूं, जल्दी से मुझे आंसर दो, जितने भी जो लोग हैं बेटा जल्दी से लाइक करो वीडियो को, जल्दी से जल्दी जाओ लाइक करो, फिर बाद में लाइव सेशन में आओ, जल्दी से। नवंबर के सारे हमने इंपॉर्टेंट सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए बेटा, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। क्या है इसका आंसर बेटा, छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिला है, नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आपका यहाँ पे मनाया गया है। अगला सवाल, जोजिला डे आपका कब हम एक तरीके से मनाते हैं, मनाते मतलब कॉमेमोरेट करते, ट्रिब्यूट देते, बताओ, ज्योति बलियान मध्य प्रदेश है, तुम गलत कैसे हो गई, बताओ जोजिला डे कब हम करते हैं? याद रखना बेटा, हम 1 नवंबर को, याद रखना, हम यहाँ पे एक तरीके से दिन को तेरे से ऑब्जर्व करते हैं। देखो जोजिला पास में आपको देखने को मिलता है इसी एरिया में आपको, कि भैया आपका जो पाकिस्तान आर्मी है इसको हमने यहाँ से खदेड़ के भगा दिया 1948 में, इसको इस मिशन को ऑपरेशन बाइसन भी बोलते, याद रखना, ठीक है? और इसी चीज को एक तरीके से ट्रिब्यूट के तौर पर, ट्रिब्यूट मतलब कि इन सोल्जर्स को यहाँ पे, इनकी ब्रेवरी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए बेटा आपका 1 नवंबर को जोजिला डे आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, बिम्स्टेक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, फेंटा लगा दो जल्दी से, जल्दी फेंटा लगाओ, बिम्स्टेक आपको कब एस्टैब्लिश हुआ था? बहुत ही सिंपल, देखोगे ये आपको 1997 में देखने को मिलता है, कौन कौन सी कंट्री आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मेंबर कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखोगे आपका कौन सा नहीं है, मुझे बताओ जल्दी से, फेंटा लगा दो, ये आपका इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार है, इंडोनेशिया इज नॉट, इंडोनेशिया इज नॉट द मेंबर ऑफ अवर बिम्स्टेक, ठीक है? याद रखना, जो बे ऑफ बंगाल के पास की जितनी भी कंट्रीज होती है ना, वही इसके मेंबर्स आपके, ठीक है? BR अम्बेडकर का जन्म किस आपके शहर में देखने को मिलता है, बताओ, कम ऑन गाइस, फेंटा लगा दो इसको जल्दी से, जल्दी फेंटा लगाओ, मुझे टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, चलो इन चीजों में जल्दी। तो यहाँ पे देखोगे आपको महू, आपको यहाँ पे आपको टाउन में आपको BR अंबेडकर जी का जन्म देखने को मिलेगा, और महू आपका इंदौर में है, ये आपको पता होना चाहिए। इसरो आपका कौन से वर्ष में एस्टैब्लिश हुआ था, जल्दी मुझे बता दो, जल्दी मुझे बता दो, जल्दी, डंडे खाने हैं क्या तुम लोग, आंसर नहीं दोगे है, डंडे तुम लोग को चाहिए ही होते हैं यार, मैं तुम्हें प्रतीक सर से डंडा चाहिए ही होता है, तुम लोग हमेशा गलत क्यों जवाब देते हो, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे देखोगे आपका 15 अगस्त आजादी के दिन
दिन है, साल है नहीं, 1969 में आपको एस्टैब्लिशमेंट देखने को मिलता है और इसमें विक्रम साराभाई जी का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो मैं बात करता हूँ हमेशा, हम सब एक है, 28 स्टेट सारे है, हमें मिलकर यहाँ पे काम करना, कल्चर को एक्सप्लोर करना, यूनाइट रहना है। ठीक है ना, ये आपका जो प्रोग्राम आपका कब आपका लॉन्च हुआ था, जल्दी फेंटा लगाओ, जज्बा और जुनून के साथ मुझे इसमें फेंटा लगाते हुए मुझे देखने चाहिए अपने एस्पिरेंट, जल्दी बताओ। तो यहां पे देखोगे आपका 2015 में आपके प्रोग्राम आपका शुरू हुआ था। नेक्स्ट यहां पे उदयपुर सिटी आपका बहुत ही खूबसूरत भैया, आई हाय सिटी ऑफ लेक्स है, बट इनके फाउंडेशन करता कौन है, किसने यहाँ पे इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है, कौन है वो मुझे बताओ। हाँ हाँ ज्योति बलियान, बहुत गलत हो रहा है तुम्हारा आंसर, सही नहीं है ये। हाँ नेक्स्ट यहाँ पे कौन है भैया, उदय सिंह टू, ठीक है, राणा उदय सिंह टू जी, इन्होंने यहाँ पे बेटा उदयपुर सिटी का पूरा यहाँ पे फाउंडेशन रखा था। भैया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जल्दी मुझे बताओ, कम ऑन गाइस, जल्दी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का भैया कहाँ पे हमें हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे देखोगे बेटा आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट शिवाजी महाराज, द ग्रेट वन, द ग्रेट, जिससे हम एक तरह से इंस्पायर्ड है सबके सब लोग, ये आपके छत्रपति का टाइटल जो इनको दिया गया था, एक तरीके से इनको किस साल में दिया गया था, इनको कब क्राउन किया गया था छत्रपति, बताओ, फेंटा लगाओ गाइस, जल्दी फेंटा लगाओ, मुझे सुनना कुछ नहीं है, जल्दी, तुम लोग ऑफिसर्स हो, तुम लोग इतना टाइम नहीं ले सकते हो। 1674 में इनका यहाँ पे देख सकते हो पूरा यहाँ पे इनको क्राउन किया था, पूरा छत्रपति इनको यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, बहुत बड़ी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा आपके यहाँ पे जीवित नहीं रह पाते। ठीक है ना, यूनेस्को आपका हेडक्वार्टर नहीं पूछा है, कहां पे आपका फाउंड आपका हुआ था, कौन से शहर में, मुझे जल्दी बताओ कहां पे आपका हुआ था, तो आपको देखने को मिलेगा, आपको ये लंदन में आपको देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर इसका कहां पे बेटा, पेरिस में है, फाउंड आपका लंदन में हुआ है, यूनेस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हु इज द करंट हेड ऑफ यूनेस्को, यूनेस्को का करंट अभी हेड कौन है मुझे बताओ, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल यार। तो यहाँ पे देखोगे भैया आपके ऑड्री ओजोलो जी आपकी करंट हेड है आपकी यूनेस्को की, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आपका जो यूएस है, यूएसए ने भैया एक करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट आपका निकाला था, याद है कि नहीं, बताया था, डिटेल में कवर किया था। ठीक है, तो यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में उसी को रखता है जो ऐसी कंट्रीज उसकी टॉप आपकी कंट्रीज है रिगार्डिंग ट्रेडिंग में, वो अगर कोई मैल फंक्शनिंग आपकी करती है, मैल प्रैक्टिस करते हैं रिगार्डिंग करेंसी को, अपने गिराते उछालते फॉर ट्रेड बेनिफिशियल्स, तो उसके लिए आपका इनको यूएस वाले क्या करते बेटा, इस लिस्ट में डाल देते। इंडिया तो यहां से निकल गया है, बट इनमें से कौन सी कंट्री बेटा जो आपके अभी भी इस लिस्ट में आपका है, कौन है, तो यहां पे देखो आपका जापान अभी भी क्या है बेटा, यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में अभी आपका बना हुआ है, मतलब ये अभी भी कुछ ना कुछ आपका ट्रेड के लिए अपने फायदे के लिए आपके जापान कंट्री यूएस के साथ कुछ मैल प्रैक्टिस कर रहा है, करेंसी को गिरा रहा है, उठा रहा है, इसे सारे कंडीशन से मैंने आपको यहाँ पे बताया था पिछले बार भी। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे है, इंटरनेशनल ओलंपिक का कमेटी बताओ, हेडक्वार्टर कहां पे इसका, फेंटा लगा दो इसको, तो ये पता होना चाहिए आपका लुसेन में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, 17वां G20 समिट का मुझे बताओ थीम क्या था, बहुत ही सिंपल, 17वां G20 समिट का थीम क्या था आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट बताया, इंडोनेशिया में रखा गया था, रिकवर टुगेदर आपका, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए। ठीक है, G20 का भैया इसमें से कौन कंट्री जो G20 का पार्ट नहीं है, जल्दी मुझे बताओ, इजी है सवाल, G20 में आप देखोगे कौन सा आपका मेंबर नहीं है, तो वो आपका पाकिस्तान नहीं है, अभी तो अच्छे दिन इसके आए नहीं है। ठीक है ना, तिमोर लिस्ते आपका 11वां मेंबर आपको देखने को मिलता है, कौन से आपके ग्रुप का, कौन से एसोसिएशन का, मैंने आपको बताया है तिमोर रिश्ते आपका जो एक किस्म जो छोटा सा आपका कंट्री है आपका, जो जिसको ईस्ट तिमोर को पहले नाम से बोला जाता था, ये आपका 11वां मेंबर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का बना है, तो ये आपका बना है आशियान का बना है। नेक्स्ट यहाँ पे इनमें से कौन सा आपका कंट्री है जो आशियान का मेंबर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आशियान बताओ, यहां पे देखोगे गाइस बहुत ही सिंपल, आपका अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, सिंगापुर म्यांमार आपका इसका मेंबर है। तो गाइस जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसका जवाब क्या है, और मैं उम्मीद रखता हूं आपकी भैया तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, हाल ही में चर्चा आपका है भैया, न्यूज है आपका, उसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे एक स्टैटिक आपसे क्वेश्चन पूछा है, मौना लोआ आपका जो आपका एक एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है ना, मौना लोआ आपका जो एक्टिव वॉल्केनो है, ये हमें
किस जगह में हमें देखने को मिलता है, इसका लोकेशन कहाँ है। मैंने आपको सारा यहाँ पे आपको प्लेसेस दिया हुआ है, आप मुझे बताएंगे भैया आपका मोनेरो, आपका जो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है कहाँ पे आपका सिचुएटेड है, आप मुझे कमेंट करके अभी जाओ, खत्म होगा सेशन तो ना जाके मुझे बताओ, ठीक है गाइस। इसी की तरह आपको कोई भी अगर आपको अमेजिंग कोर्स अगर आपको चाहिए ऐसे ही है तो फिर आपको एसबी क्रैक एग्जाम्स में जाना चाहिए। सारे कोर्स बहुत ही इफेक्टिव अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कोर्स बंडल्स के फॉर्म में अमेजिंग लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, टीचर्स का फुल सपोर्ट आपको यहाँ पे इसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट सारे डेली करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। सारा कंटेंट आप वेबसाइट से क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट अगर आप वॉरियर हो तो वॉरियर 10 का कोड लगाओ और यहाँ पे हमारे जो भी कोर्सेज है उसमें यहाँ पे डिस्काउंट पाओ 10% का। भैया किस चीज का वेट कर रहे हो, सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हो गए, जल्दी से कोर्स में जाओ अवेल करो, ठीक है। मिलता आपको नेक्स्ट सेशन में इसी जज्बो जुनून के साथ गाइस, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।